मेरे को अब ये स्क्रीन शेयर करोगे गोपाल जी? आप कर सकते हैं, यू आर को होस्ट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम टेक्सटेक टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्सटेक शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम टैक्सेशन प्रोफेशन में करते हैं तो उसको लोग आमतौर पर टेक्सटेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और कोविड के टाइम पे ये लोगों को बहुत हेल्प किया है। आज मैं आप लोगों से जो एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा इसमें कोई भी चीजें आपकी एक्सेल से रिलेटेड नहीं होंगी। मैं आपको कुछ भी एक्सेल के बारे में नहीं बतलाऊंगा, मैं आपको उन चीजों के बारे में बतलाऊंगा जिनके इस्तेमाल से हम लोग हमारी प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है वहां पर हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी बात अपने रखता जाऊंगा। तो ये पहली जो स्क्रीन है, ये पहली इस स्क्रीन पे मैंने जानबूझकर आपके, जो कि हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं आमतौर पर, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरे ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, चाहे आर्टिकल क्लर्क्स है, और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा आने वाला है जब कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं कि ऑफिस के एम्प्लॉय काम करे, जैसे एक रोबोट जैसा कोई बंदा रहेगा जो आपका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस से करता रहेगा। मैं आपको कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा। तो मैं आपको रियल टाइम कुछ केस स्टडीज बाद में बतलाऊंगा और आपको डे टू डे इश्यूज बतलाते हैं लोग। आज के दिन में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मैंने खुद भी फेस किया है, जो मैंने खुद फेस किया है, फोन पे बात करते हो जाए, जो मैंने खुद फेस किया है आज के दिन में, तो बिगेस्ट चैलेंज आता है हम लोगों के सामने में जो हम लोगों ने फेस किया है कि हम लोगों को कई बार ये पता नहीं होता है कि हमारे क्लाइंट कौन है। प्रॉपरली अगर कहें तो एक्टिव क्लाइंट कौन है। अब दोनों में फर्क होता है जी, क्लाइंट और एक्टिव क्लाइंट में। मैं जानता हूं कि मैं फला कंपनी का काम कर रहा हूं, लेकिन क्या वो क्लाइंट मेरा एक्टिव क्लाइंट है, ये हम लोगों को पता नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि इस साल से जीएसटी में ऑडिट खत्म हो जाएगी, इनकम टैक्स की ऑडिट का लिमिट भी बढ़ गया है और अभी काफी जगह ऐसा चल रहा है और कहीं ना कहीं बाजार में टफ कंपटीशन भी है और हम लोग काफी समय से क्लाइंट से मिले नहीं है जिनका अपने इश्यू बेस्ड असाइनमेंट करते हैं, जैसे जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट या हम कोई काम करते हैं। तो वो क्लाइंट हमसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता नहीं रहता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अब ऑडिट ही खत्म हो जाएगी, हमारे से रिलेशनशिप रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग हमारे एक्टिव क्लाइंट को जाने। और एक मेरी काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई हम लोग काम तो करते हैं लेकिन आमतौर पर जहां पर काम अधिक रहता है, जहां पर एक रिजनेबल साइज का काम रहता है, जहां पर ऑफिस के एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे कि मंथली जीएसटी कंप्लायंस का काम हो रहा है या जहां पर आर्टिकल क्लर्क काम करते हैं, तो जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के अकाउंटेंट या क्लाइंट की जो लीगल टीम है उससे ही बात करते रहते हैं और ऑनर को पता ही नहीं रहता है कि क्या काम हो रहा है। तो और हम लोग को लगता है कि रिटर्न फाइल तो हो ही रहे हैं। ये बेसिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पता है कि ओनर कौन है लेकिन हमारी ओनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। तो मेरा ये मानना रहता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, क्योंकि हम लोग ऑनर के सामने नहीं रहते हैं तो उसको स्विच ओवर करने में बड़ा आसानी रहता है। तो अपने को ये पता नहीं रहता है कि हमारी जो टीम है वो ऑनर के संग काम कर रही है नहीं कर रही है, ऑनर को पता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जिस दिन वो बंदा हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के जाता है, स्विच ओवर करके जाता है, तो काफी सारे लोग होते हैं जो अपनी खुद की प्रैक्टिस खोल लेते हैं और वो क्या करते हैं भी क्लाइंट के पास जाके बोलते हैं व्हाई यू आर पेइंग, आप उसको हैंडसम अमाउंट का पेमेंट क्यों कर रहे हो, मैं ये सारा काम कर दूंगा। और वो अपने साथ जब जाता है तो अपने साथ क्लाइंट भी ले जाता है। ऐसा काफी जगह पर हम लोगों ने अनुभव किया था। तो कोविड के समय में हम लोगों ने 400 बिजनेस ओनर्स का अगस्त 2021 में हम लोगों ने वो किया, आपका एक फीडबैक हम लोगों ने लिया
अलग अलग बिजनेस जो कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस ओनर्स है, तो जब हम लोगों ने उनसे बात की तो हम लोगों को कुछ कॉमन जो बिजनेस ओनर्स की एक्सपेक्टेशंस आई वो मैं आपको बतलाता हूँ, और उस एक्सपेक्टेशन को हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे मीट कर सकते हैं और हमारी डिपेंडेंसी कैसे हमारे एम्प्लॉइज से खत्म हो सकती है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये रियल टाइम केस स्टडी है जो हम लोगों ने 400 बिजनेस ओनर से अगस्त 2021 में की है। एक क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट रहती है, हम लोगों ने देखा है क्लाइंट की, कि वो हम लोगों से चाहता है कि भाई हमारे को जो है, जैसे हम लोग जीएसटी का काम करते हैं तो हम लोग का फीडबैक जो था उसके आसपास ही था, रिव्यू हम लोग का उसके आसपास ही था सर्वे, तो उनको चाहिए था कि इनके ड्यू डेट्स पे रिमाइंडर्स आने चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में तो हर महीने कोई काम होता नहीं है, टीडीएस पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल होते हैं, तो वहां पर वो ये बोल सकते हैं कि मेरे को जो है ड्यू डेट का रिमाइंडर आना चाहिए। दूसरा एक क्लाइंट का क्वेरी था कि भाई क्या हम लोगों को जो जीएसटी में या इनकम टैक्स में या कस्टम में इतने अधिक अपडेट्स आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जीएसटी और कस्टम में जो अपडेट्स आते हैं वो इन कंपेयर टू इनकम टैक्स बहुत अधिक आते हैं, तो उनका ये मानना था कि वो जो अपडेट्स आते हैं उस अपडेट्स की नॉलेज हमें नहीं मिलती है, हमको उसकी नॉलेज भी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। कुछ क्लाइंट का कहना था कि कोविड है, कोविड की वजह से हम लोग जो है अब हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाते, आजकल वर्चुअल का जमाना है, और हम लोग हमारी क्वेरी को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो क्वेरी को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। कुछ क्लाइंट का कहना था कि भाई आज के दिन में डिपार्टमेंट से इतनी अधिक नोटिसेज आएंगी या आ रही है, और वो हमसे पूछते हैं कि आपने ये फिगर कहाँ से लिया, तो उनको बैकअप कैलकुलेशन शीट चाहिए होता है, कि हमको बैकअप का पेपर चाहिए कि भाई आपने ये रिटर्न फाइल किया, तो ये रिटर्न फाइल करने में आपने डाटा कहाँ से लिया, मान लीजिए किसी के पास टैली का डाटा है तो ये टैली का डाटा कहाँ से आया, और क्या होता है कि रिटर्न लगाने के बाद टैली का डाटा ही बदल जाता है, लोग एंट्री को एडिट कर लेते हैं और बाद में डिस्प्यूट अराइज होता है, रिटर्न में फिगर है और टैली में एक अलग फिगर है, क्योंकि कोई टैली का बैकअप तो रखता नहीं है। कुछ क्लाइंट्स का कहना था कि भाई हमारे सारे काम लास्ट डे पे होते हैं, आज अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट 11 अक्टूबर है तो हमारा काम 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को ही होता है, अगर 20 तारीख है तो 20 तारीख को होता है, डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आती है लिखता कि 7 दिन बाद देना, पहले तो एक्सटेंशन लेंगे, जब तक वो मतलब लास्ट डे, जब तक गले की फांस नहीं बन जाती तब तक हमारा काम नहीं होता है। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा काम का स्टेटस क्या है, रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, ऑफिसर से कोई मिला है कि नहीं मिला है, अगर नोटिसेज आई है रिप्लाई जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने दिन बाकी है रिप्लाई जमा करने के लिए, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये इश्यूज आते हैं। तो ये इस तरह की जेनरिक इश्यूज हम लोगों ने, ये जो आम तौर पर जितने भी क्लाइंट्स थे, हम लोगों ने 400 लोगों से बात की है, उन 400 लोगों में ये प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन थी, तो हम लोगों ने ये, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मेरी ऑफिसेज में ऐसा कोई इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है कि हम लोग जो है एक जगह पर इसको आप कोई, हम लोगों के पास चूंकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ जहां पर आप ये देखेंगे कि आप इस तरह की चीजें प्रॉब्लम्स को कैसे आप मैनेज करेंगे। हमारे जैसे आज के दिन में क्या होता है कि एक ड्यू डेट का रिमाइंडर है, तो ड्यू डेट का अगर आपको क्लाइंट को रिमाइंडर भेजना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट कौन है, आप जिन क्लाइंट के काम कर रहे हो उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। हम लोगों ने ये जो महसूस किया, हम लोगों ने हमारी कंपनी में देखा है कि लोग आमतौर पर जीएसटी पोर्टल पर वो ईमेल आईडी देते हैं जो उनकी अपनी नहीं होती है, वो फोन नंबर देते हैं जो उनका अपना नहीं होता है, वो आमतौर पर अपने किसी एम्प्लॉयज का ईमेल आईडी या टेलीफोन नंबर दे देते हैं। और कई बार क्या होता है कि इम्प्लॉय के यहाँ पर जो है ना, क्लाइंट के यहाँ पर भी इम्प्लॉय बदलते रहते हैं, कोई बंदा नौकरी छोड़ के चला गया, कोई नया बंदा आ गया, तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जहां पर कि हम जो है उस बंदे से, हमको ये पता रहे कि भाई हम किस बंदे से बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं रहता है। और आप जब ईमेल करते हैं तो जो बंदा काम नहीं कर रहा होता उसके पास भी ईमेल चला जाता है कंपनी की इंफॉर्मेशन, तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर इश्यूज आता है।
फिर एक इश्यू आता है कि भाई अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लाइंट का काफी सारे लोग हो सकते हैं जो कि इसमें जीएसटी की प्रैक्टिस में होंगे यहाँ पर अगर हैं, तो मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि एक आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर डिपार्टमेंट बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी लोग जीएसटी के पोर्टल हैं, पोर्टल पर हैं, वो सभी लोग अपने नंबर्स को आधार से ऑथेंटिकेट कर ले। अब प्रॉब्लम आधार ऑथेंटिकेशन में क्या आ रही है, लोग बोले मेरी प्राइवेसी चली जाएगी। अब प्राइवेसी जाना है तो जाएगा, या तो अभी उसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नियम ये है कि जीएसटी पोर्टल पे जो नंबर है वही नंबर आधार के जो हम लोग टेलीफोन से हम लोग जो नंबर देते हैं उससे मैप होना चाहिए। तो एक तो अपने को ये देखना है कि हम जिन लोगों के पास, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर हमारे पास क्लाइंट का प्रॉपर नाम। अब एक दिक्कत हो जाती है कि मान लीजिए जीएसटी में क्या होता है कि मल्टीपल, एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी होते हैं, मल्टीपल जीएसटी नंबर एक है, जीएसटी 15 है, 20 है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई जो कंसर्न पर्सन होते हैं वो अलग अलग जीएसटी पे अलग अलग नंबर दे देते हैं, तो आपके पास मल्टीपल नंबर आ जाते हैं। वो आपको पता ही नहीं रहता है कि हमारे पास वास्तव में टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी कौन सा जिस पे हम लोगों को वर्क करना है, जिस पे हम लोगों को बात करना है, जिस पे हमको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो एक सिस्टम आपके पास जरूर होना चाहिए, चाहे आप उसको गूगल शीट में बना सकते हैं, मेरे को पता नहीं, आप लोग जो है और भी बहुत सारे एड्रेस के सॉफ्टवेयर आते हैं कस्टमाइज जो है, अगर आप जुहो पे जाओगे तो टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं हम लोगों के पास, मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि वहां पर आप एक नंबर को आप मेंटेन कर सकते हो जहां पर आपको क्लाइंट का टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी रहेगा। अब एक इशू हमारे पास हो, गजब आया, एक इशू हमारे पास आया कि साहब ऐसा है कि विकास हम इस क्लाइंट का काम करते हैं लेकिन मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ऑनर को पता नहीं चलना चाहिए मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ संडे संडे को। तो ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, तो उसके अगर कोई भी नोटिफिकेशन या इश्यूज हो तो आप मेरे पार्ट टाइम ईमेल आईडी पर दीजिए। अब हमारा चैलेंज ये आ गया कि पार्ट टाइम ईमेल आईडी की कंसल्ट कंपनी की अलग ईमेल आईडी है, और जिनमें वो काम कर रहे हैं उसकी अलग ईमेल आईडी है, उसको हम लोग कैसे देंगे। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं, तो इन चैलेंजेस को आपको मैप करना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए आप गूगल शीट से जो लोग चले जाते हैं उसको अपडेट करते रहिए, नहीं तो हम लोग आपको दिखलाते हैं हम लोग हमारी ऑफिस में कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है क्लाइंट का नाम लिख देते हैं, वो जिस कंपनी में मान लीजिए हमको जिस कंपनी से उसको कनेक्ट करना, तो उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, उनका टेलीफोन नंबर मल्टीपल तो मल्टीपल, ईमेल आईडी का मल्टीपल तो मल्टीपल, उनकी वेबसाइट का नाम, उनकी अपडेट इन्फॉर्मेशन, अगर वो जॉब छोड़ देता पुरानी हिस्ट्री वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। हम लोग जो है अब उसको करने के बाद, और उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि बंदा बोलता है कि साहब ऐसा है कि मेरा जो टेलीफोन नंबर है कोई कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, तो ये कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं कंपनी के अंदर, तो ये हम लोग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी स्पेसिफिक भी हम लोग वहां पर दे देते हैं। तो इससे हम लोगों को एडवांटेज क्या मिलता है कि हम लोगों के पास एक डेटाबेस आ जाता है कि हमको किन लोगों को फोन करना या ईमेल करना होगा, टेलीफोन नंबर क्या, किन कंपनियों में क्या, ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको कॉल यस को सब लिखा रहता है। और हम लोग ये मेरे पास डेटाबेस आने के बाद हम लोगों के पास एक कैंपेन मैनेजर होता है, तो हम लोग इस कैंपेन मैनेजर की मदद से हम लोग लोगों को ईमेल दे देते हैं, और वो लोगों के पास रियल टाइम बेसिस पे वो ईमेल चला जाता है। तो ये अभी आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ये सॉफ्टवेयर है नहीं, लेकिन आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं आपको आज सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने को ये सोच लानी पड़ेगी
क्योंकि क्लाइंट को अपने लिए क्या होना चाहिए, अपना समय बचना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपना समय बचना चाहिए। तो इसके लिए बाजार में सेल्स फोर्स एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स है, और जोहो में भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और अभी आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोल के भी आ रहा है, आप वहां पर भी काफी सारी चीजें यहाँ पर जो हम लोगों के पास है वो वहां पर भी है, तो आप लोगों को वहां से वो चीजें देख लेनी चाहिए। आप लोगों को उसको लेकर जो है ना आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए, इससे एडवांटेज क्या मिलता है, हम लोगों ने इसमें कदम और आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन ये था कि हम लोग भाई क्लाइंट को ईमेल तो कर रहे हैं शेड्यूल करने के बाद, अब क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये आया कि साहब आप जिनको ईमेल कर रहे हैं क्या वो ईमेल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? आप उसको अगर कोई चीज की ईमेल का कुछ भी मतलब शेड्यूलर के अलावा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपडेट भी दे सकते हैं, तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो वो उसमें जाकर फिर हम लोग जो है वहां पर जाकर हम लोग जो है वो शेड्यूलर भी हम लोग वहां पर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं कि कौन लोग हमारे ईमेल्स को पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें बाजार में सेल्स फोर्स में प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में और एक दो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें ये चीजें काफी सारी चीजें में अवेलेबल है। हाँ वहां पे खाली यही एक इश्यू आएगा आपके पास कि आपको उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर लिया, वहां पर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। तो एक ये इश्यू आया तो ये ड्यू डेट रिमाइंडर का, और अभी तो आपका SMS ईमेल, अच्छा एक क्वेश्चन और आने लग गया, हमारे क्लाइंट है उन्होंने हमसे कहा कि भाई विकास हमको आप ये भी बतलाइए आप जो ड्यू डेट से 2 दिन पहले कि किन लोगों ने हमको आपको ईमेल डॉक्यूमेंट मिल गया है, उनकी काफी सारी कंपनियां हैं ग्रुप कंपनियां हैं, अच्छा किन का हमको डॉक्यूमेंट तो मिला है पूरा मिला है कि नहीं मिला है? अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को यहाँ पर इंटीमेट कर दीजिए, मेरे को तब स्क्रेट कीजिएगा जिन जिन का नहीं मिला। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं जब आप ड्यू डेट की रिमाइंडर्स देते हैं, तो इस तरीके की क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जो है अभी बढ़ने लग गई है, क्योंकि बाजार में इस तरह के सॉल्यूशन दूसरी इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बदला है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ये ड्यू डेट रिमाइंडर जो है ये ड्यू डेट रिमाइंडर पे अपनों को वर्किंग करना चाहिए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड जो फीडबैक हम लोगों ने 400 लोगों से लिया GST के संदर्भ में हम लोगों ने लिया था, मैं उसको कॉमन बना दे रहा हूँ, उनका ये कहना था कि साहब हमको आप ये बतलाइए कि GST में इतने रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो जो लोग जिनका हम काम करते हैं वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से या लीगल एडवोकेट्स होते हैं, कई बार हमको उनसे अपडेट्स भी मिलता, हमको उनके व्हाट्सएप तो आता है, हमको उनसे व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट आता है, व्हाट्सएप आता है कि ये बदल गया है, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता है कि क्या वास्तव में आया है। और आने के बाद वो मेरा अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है तो वो भी आ जाता है। अब मेरे को लगता है कि आई एम फ्लडेड विथ लॉट ऑफ रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन, तो मैं ये खोज नहीं पाता हूँ कि भाई कौन सा मेरे काम का है और कौन सा मेरे काम का नहीं है, मेरे क्वेश्चन वहां पे आ गया। दूसरा वो बोलना चाहता है कि साहब मेरे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो GST जानते हैं? मैं आपको बार बार GST के संदर्भ में हम लोगों ने ये फीडबैक लिया था, क्या वो GST जानते हैं? वो GST मेरे को क्या पता है कि कितना GST जानते हैं? क्लाइंट का ये कहना था कि भी हम लोगों को ये पता नहीं रहता हो, अच्छा वो जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका नॉलेज है कि नहीं है? अच्छा एक मैं स्क्रीन शेयर करके स्टॉप करता हूँ, थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहूंगा जो मेरे, क्योंकि वीडियो देने से थोड़ा सा आसानी रहेगा। आमतौर पर अगर हम लोगों को GST में कोई भी क्वेरीज आती है या इनकम टैक्स में कोई भी क्वेरीज आती है, तो हम लोगों ने देखा है कि जनरली लोग गूगल में जाकर चीजों को सर्च करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेरी आई गूगल में, मैंने क्लाइंट से कि यार मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, दिसंबर महीने में मेरे को कैलेंडर प्रिंट करवाने हैं, तो यार GST का रेट क्या लगेगा? तो आप लोग कैसे खोजेंगे, कोई मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहेगा इसके अंदर?
कोई भी बंदा पार्टिसिपेट करना चाहेगा। अगर मैं क्लाइंट आपसे पूछ ले कि यार मेरे को दिसंबर महीने में कैलेंडर प्रिंट करवाना है, या मेरा क्लाइमेट कैलेंडर का काम है क्या, जीएसटी का रेट क्या है, कैसे आप लोग खोज के बतलाएंगे? कोई भी बंदा अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सेशन को रन करना साहब। मैं बोल के निकल जाऊंगा आप लोगों को मजा नहीं आएगा। नकाश जी आप कुछ बतलाएंगे? चलिए मैं मेरी अगर आप लोग को ऐसा है तो मैं बतला देता हूँ आपको जनरली लोग क्या करते हैं। आमतौर पर लोग जो गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं कि कैलेंडर पे जीएसटी की रेट का क्या लिखते हैं, कैलेंडर प्लस एचएसएन प्लस जीएसटी रेट। तो जो लोग ऐसा काम करेंगे उनको भी दिखाई देगा 12%, मतलब ऐसे ही कुछ करेंगे ना आप लोग। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। यहाँ पे एक रेट आएगा 12%। तो आप लोग में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो गूगल को बहुत ही ट्रस्ट करेंगे और गूगल में जो रेट दिया हुआ है उस रेट को आप लोग वहां पर आप लोग बतला देंगे कि भाई यही मेरा रेट है, कि भाई गूगल में रेट लिखा हुआ 12%, तो 12% ही रेट है अपना, ठीक है। प्रॉब्लम यही पे आती है कि गूगल से आप रिफरेंस लीजिए, डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि गूगल में आप लोग जब गूगल में जाके आपने जब सर्च किया तो आपने डेट नहीं दिया, 1 अक्टूबर से जीएसटी की रेट 18% होगी, और ऐसा बार बार होता है। हमारे जो भी इम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो भी इम्प्लॉयज होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उनके लिए सबसे आसान काम क्या होता है, गूगल पे जाना और गूगल पे जाकर इंफॉर्मेशन को सर्च करना, और वहां पे जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे उस इंफॉर्मेशन को आपको लोगों को बतला देना, जबकि उस रेट गलत है। क्योंकि 1 अक्टूबर से तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीजें फ्री में मिलती है वो कई बार नुकसान दे जाती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर, टैक्स मैनेजमेंट इंडिया, टैक्स इंडिया ऑनलाइन, टैक्स मैन, मनुपत्रा, लॉकरस, VIN, तो अपने को उन लोगों का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। तो आप यहां से रिफरेंस लीजिए RHSN क्या 4910, फिर क्या करना चाहिए आपको, टैक्स मैनेजमेंट इंडिया में जाना चाहिए आपको। यहाँ पे आइटम वाइज लिस्ट दिया हुआ है, देखते यहाँ पे क्या दिखता है। ये अपडेट नहीं किया है, ये भी अपडेट कर देगा, ये जनरली अपडेट कर देते हैं अपने आपको। तो 18 है यहाँ पर, ये 18 आ जाएगा आपका। तो आप ये हुआ आपका नोटिफिकेशन जो आया था हाल फिलहाल में,
देखिए 4910 और ये आपका दिया हुआ है इन शेड्यूल 3। तो मैं हमेशा अपनी टीम से कहता हूँ, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल से आप रिफ्रेश ले सकते हैं, लेकिन गूगल से कभी भी आप डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप डिसीजन लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ऑलवेज टेक रिफरेंस फ्रॉम गूगल बट नेवर टेक डिसीजन। और कभी भी अगर लेना भी जरूरत पड़ जाए तो टूल्स के अंदर में यहाँ पे ऑल रिजल्ट पे टाइम आता है, पास कस्टम रेंज, आपको किस समय का आपको देखना है, आप रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो उस समय में जो चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए पास 24 आवर्स करता तो कितना कुछ आता है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो सकता है कि रेट आ जाए आपका 18%। तो मेरा यही कहना था कि आप जो है नॉलेज जब हम लोग क्लाइंट को पास ऑन कर रहे हैं, तो नॉलेज जब पास ऑन कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि जो नॉलेज है वो रेलिवेंट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो गलत रेट, गलत GST का HSN चार्ज करेंगे और उससे उनको आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, और कॉम्प्लिकेशन आने पर हम लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बोलते भाई हम तो आपके भरोसे थे, जो आपने कहा हमने वही किया है। दूसरा एक इश्यूज और आता है कि अब वो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। एक मैं आपको दिखला, मैं एक हमारी कंपनी का सक्सेस आपको बतलाते हैं। आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी होती है, जब हम लोग कोई प्रेजेंटेशंस या वेबिनार करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, या हम लोग ईमेल भी करते हैं, तो हम लोगों का जो सारा फोकस, क्योंकि उपाय नहीं है, हम लोग इंग्लिश पे बहुत अधिक कंसंट्रेट करते हैं। हमारी जो चीजें रहती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के आसपास बहुत अधिक घूमती है। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है नॉलेज अपडेशन करने के लिए, हम लोगों ने आमतौर पर बंगाल में हिंदी और बंगाली को रखा। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, कोई चीज उनको समझाते हैं, तो हमारे जो लिटरेचर्स बनते हैं, हमारे जो अपडेट्स जाते हैं, तो वो अपडेट्स भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको हिंदी में लिखते हैं। और हिंदी लिखने के लिए बहुत आसान सा टूल आपका गूगल ट्रांसलेट है। अगर आपको लिखने में तकलीफ हो रही है तो गूगल ट्रांसलेट में वॉइस रिकॉर्डर भी आता है, वॉइस को बोलिए वो आपको लिख कर दे देगा। तो हिंदी में लिखने से क्या होता है ना कि उसमें सामने वाले को समझ में आ जाता है, बतलाने वाले को मेरे को लगता है आसान होता है। तो ये कैंपेन मैनेजमेंट में लैंग्वेज जो गूगल ट्रांसलेट आपका बहुत अधिक हेल्प करेगा। और आज के दिन में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको MCQ बेस्ड एग्जाम्स लेती है, जो लॉजिकल टेस्टिंग के नाम से है, वो क्या करती है कि वो आपके लिए टेम्पलेट बना देती है कि भी आपका क्वेश्चन है, चार तरह के आंसर्स हैं, आपको ये चूज कर लीजिए। और वो काम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्लीट होगा, वैसे ही आपको साथ साथ रिजल्ट दे देंगे। उससे क्या है कि जो हमारे क्लाइंट है, हम उनके इम्प्लॉइज का टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट करने से एडवांटेज क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो एम्प्लॉई है, कौन सा जो बंदा है, वो GST के किस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, वो GST रिटर्न के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मैं GST थोड़ा सा जानता हूँ, तो मैं GST के इर्द गिर्द भी बात कर रहा हूँ, मेरे पास उपाय नहीं है। GST में हम लोग जब GST R1 रिटर्न फाइल करते हैं, तो हम लोग कोई रिटर्न, हम लोग कोई इनवॉइस को अपलोड कर देते हैं, अगर उसमें हमको कोई अमेंडमेंट करना होता है, कोई भी तरीके से रिवीजन तो होता नहीं है, अमेंडमेंट होगा, वो अमेंडमेंट हम लोग क्रेडिट नोट से कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक वैल्यूज में अमेंडमेंट हो सकता है टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू में, और एक अमेंडमेंट होता है अदर देन टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू में। तो जो अमाउंटमेंट टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू में होता है उसको डायनामिक बोलते हैं, और जो अदर देन टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू में होता है उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता, जब रिटर्न फाइल करते हैं, हम लोगों ने उनको एजुकेट ही नहीं किया, वो 9A चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो 9A में गाल देते हैं, या स्टैटिक हो या डायनामिक हो 9B में, जबकि नियम यह है कि टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू का अमेंडमेंट 9B में जाएगा, अदरवाइज 9A में। तो आप जो है नॉलेज चेक कर सकते हैं क्लाइंट का, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप इम्प्लॉइज का टेस्ट ले लीजिए, उनको एक रियल टाइम आपके स्टडी दे दीजिए। और आज के दिन में तो स्टेजिंग पोर्टल आते हैं, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा स्टेजिंग पोर्टल, जहां पर आप जो है अपने इम्प्लॉइज को या क्लाइंट को
डमी पोर्टल पे जीएसटी रिटर्न कैसे भरा जाता है वो भी सिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग पोर्टल। तीसरा इश्यू, किसी को अभी यहाँ पे कुछ पूछना तो बतला दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर क्वेरीज है किसी की कोई भी। ठीक है, किसी की कोई क्वेरीज नहीं है। थर्ड एक इश्यूज आता है कि भाई क्लाइंट बोलते हैं कि भाई अब ये जीएसटी जो आ गया है, कोविड आ गया है, तो मिलना जुलना तो कम हो गया है, तो मिलना जुलना कम हो गया है तो देखे रखें हम अगर देखेंगे छेड़ दें, दरकार नहीं, दरकार नहीं। तो अब हम लोग को उनसे कुछ क्वेरी पूछनी है, तो अब मिलने जुलने तो जा नहीं सकते हैं, तो आजकल लोग बोलते हैं चलो अपने वीडियो कॉल कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, कुछ लोग जूम मीटिंग, गूगल मीट या ऑफिस या एमएस ऑफिस का सॉल्यूशंस आया माइक्रोसॉफ्ट का, वो इस्तेमाल है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉल्यूशंस जो है उन लोग का उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें एक इश्यूज ये आता है कि काफी सारे जो लोग होते हैं वो फ्री सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 40 मिनट का होता है, वो नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, उस पर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज भी नहीं होती आमतौर पर, और बढ़िया भी नहीं होती है। और क्लाइंट बोलता है कि भी हमने आपसे पूछ लिया, हमने आपसे बात की है, अब आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कैलेंडर पे जीएसटी का रेट 12 या 18 है, इसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि हमने 12 बतलाया कि 18 बतलाया। तो हमको भैया अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी चाहिए हमको, वो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे मीटिंग रिकॉर्ड होती है। पहले हम लोग जो है वो मीटिंग हम लोग कोई भी ओपिनियन बना के देते थे, तब लोगों के पास समय भी नहीं, और हम लोग बोलते मारवाड़ी में ठावस भी नहीं है, तो बोला भाई साहब क्या बात है, आप एक काम करो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वो दिक्कत ये है कि हम जो रिकॉर्ड तो कर लिए लेकिन रिकॉर्ड खोजने पे मिलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या होता है कि आज के दिन में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन आने लगे जो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी देते हैं और उसको पोर्टल पर रखते भी हैं 3 साल तक। आप अपने क्लाइंट से मैपिंग करके आप उसको रख सकते हैं, और आजकल सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ गया है, तो आप उसको वहां पर भी सॉल्यूशंस को वहां पर आप रख सकते हैं। तो उसको क्या जब भी आपको खोजना हो क्लिक कीजिए डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, एक नॉलेटी वर्ल्ड की कंपनी है उनका भी सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, आप वहां से भी आप उसको चेक कर सकते। तो ये जो है क्वेरी रिजॉल्व का एक इश्यू होता है। मीटिंग मैनेजमेंट, ये पता तो होना चाहिए कि हमने किस क्लाइंट को कितनी बार मीटिंग की है, वो सारी चीजें वर्चुअल मीटिंग की है कि पर्सनल मीटिंग की है, अगर वर्चुअल मीटिंग है पर्सनल मीटिंग उसका एजेंडा क्या था, उसके मिनट्स क्या हैं, मीटिंग जाने की पहले मीटिंग टाइम से हो रही कि नहीं हो रही, कौन कौन लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, ये सारी चीजों को मीटिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उससे ये पॉसिबल है। ये क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन कि भाई हमको ड्यूडेट पे रिमाइंडर मिलना चाहिए, हमको नॉलेज का अपडेशंस मिलना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो बंदा वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है उसको जीएसटी आता है कि नहीं आता है, आपके बंदे को जीएसटी आता है कि नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो है कि हम उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कुछ क्वेरीज को और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करें कैसे, क्योंकि बाद में सब ना कर देते। एक समस्या बहुत जबरदस्त आई, वर्किंग पेपर हम जब रिटर्न फाइल कर, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आम तौर पर क्लाइंट कई बार क्या होता है टैली में डाटा भेज देता है, जब वो टैली में डाटा भेज देता है तो डाटा भेजने के बाद क्या होता है कि आपका एंट्री हम लोगों ने उसकी बेसिस पे रिटर्न फाइल कर दी। अब रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होता है कि बाद में जब डिपार्टमेंट से नोटिस आए कि भाई ये फिगर यहाँ पे कैसे है, 103B में मिसमैच है, बुक से मिसमैच है, वो आप हमको दिखलाइए, क्लाइंट आपको करंट का टैली का डाटा दिखलाता है, और जबकि डाटा वो किसी और टैली के डाटा पर या किसी और वर्किंग शीट पे लग चुका होता है, और हम लोगों के पास वो ईमेल में होता है, ईमेल इतनी अधिक होती है कि हम लोग खोज नहीं पाते, क्योंकि क्लाइंट जब ईमेल करता है तो फाइल का नाम बुक वन
क्लाइंट का जो ईमेल आईडी @gmail.com है, जो बंदा अपने ईमेल आईडी से कर रहा था, बंदा छोड़ के चला गया, उसका ईमेल आईडी अपने पास नहीं है, तो वहां पर उसको खोजना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीमेल में जहां वॉल्यूमिनस डाटा है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग घर पे हैं, अब क्लाइंट बोलता है कि भाई ऐसा है कि डिपार्टमेंट सर्कल जो नोटिसेज आती हैं, बोलती भी 3 दिन में आप मेरे को रिकॉन्सिलेशन करके दीजिए। कुछ लोग हैं कि भाई अब वो फाइल को खोजना एक बहुत बड़ा हेडेक है, टाइम पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से जब डिपार्टमेंट से नोटिस आती है या क्लाइंट से जब सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है तो बहुत अधिक माहौल खराब होता है अपने यहाँ पर भी। क्लाइंट को लगता है कैसे हम कैसे लोगों के संग हम काम कर रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए बाजार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं जो डॉक्यूमेंट को आपको मैनेज करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंप्यूटर पर फाइल को सेव करेंगे कैसे, फाइल नॉमेनक्लेचर। तो मेरा कंप्यूटर जो है, आप जैसे आज तारीख है आपकी 9 अक्टूबर 2021, तो आमतौर पे लोग बुक वन लिख देंगे, फाइल का नाम, एक्सेल का नाम, वर्ड का नाम, और कुछ नहीं लिखेंगे तो वर्ड या एक्सेल में जो पहला सेंटेंस होता है वो उसको पकड़ के फाइल का नाम करता है, और हमारे पास टाइम भी नहीं होता, हम उसको सेव कर देते। तो देयर शुड बी पॉलिसी, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एक्सेल या वर्ड की कोई भी फाइल सेव करें उसका प्रॉपर फाइल का नोमेनक्लेचर कैसा होना चाहिए। और ऑलवेज उसमें बेटर रहता है कि आप लोग ईयर मंथ डेट, यानी आपको भी फाइल सेव करें उसको लिखिए 2021, आज का डेट है 10 और डेट होगी 09, मैं 2021 1009, अंडरस्कोर के कंपनी का नाम और जो टॉपिक अगर वो लिख देंगे, 1 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा देंगे ना तो आपको फाइल खोजना बहुत आसान हो जाएगा। पहले एक समय था जब हम लोग फिजिकल फाइल रखते थे, ये 20 साल की स्टोरी आप समझ सकते हैं। फिर लोगों ने फाइल्स को कंप्यूटर में रखना शुरू किया, फिर लोगों ने डाटा सर्वर में सर्वर बना बना के रखने लग गए, और अब डेटा सेंटर का कंसेप्ट आ गया। अब ये इश्यू जरूर है कि अगर हम फिजिकल फाइल रखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को, हम जो डॉक्यूमेंट आ रहा है, डाटा आ रहा है, उसका प्रिंटआउट रखें फिजिकल फाइल में, कि हम डेटा की सॉफ्ट कॉपी, हम डिजिटल कॉपी डेटा सेंटर पर रखें। तो हमको एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैसे दोनों में लगने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अगर आप फिजिकल फाइल में रखेंगे तो आपको फिजिकल स्पेस ज्यादा चाहिए, और अगर आप डेटा की डिजिटल कॉपी क्लाउड पे रखेंगे तो डेटा सेंटर का पैसा लगेगा। लेकिन दोनों में एक आसानी है, डेटा सेंटर में अगर आप डेटा को रखते हैं तो आप आसानी से डेटा को आप खोज सकते हैं, वहां पर डेटा के लॉस्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। डेटा सेंटर और डेटा सर्वर में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो डेटा सर्वर होता है इसमें वायरस का अटैक हो सकता है, लोग आपके डाटा को उड़ा के ले जाएंगे, आपके कंप्यूटर को हैक करके आपका डाटा ले जाएंगे, मनमाना पैसा मांगेंगे, रैंसमवेयर जैसा चीज आ जाएगा। और डेटा सेंटर पे इन सब चीजों से बचा जा सकता है क्योंकि उनकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल होती है बहुत जबरदस्त होती है, और वहाँ बैकअप की फैसिलिटी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होती है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि हमको डेटा कंप्यूटर से जो डेटा सर्वर में, अगर हमको सर्वर में डाटा रखना है कि हमको डेटा सेंटर में डाटा रखना है। पैसे आपके हर जगह लगेंगे, तो आप इसका परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सर्वर एक बार लेते हैं, वन टाइम कॉस्ट बहुत अधिक होता है, आप अपनी उम्मीद से अधिक का कॉस्ट लेते हैं, हो सकता है उससे अधिक का बिजनेस आपके पास आ जाए, तो सर्वर की कैपेसिटी भर नहीं सकती है, 2-3 साल में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, तो आपने जो डेटा सर्वर पे पैसा खर्चा किया वो फ्रूटलेस जीरो हो जाता है। और डेटा सेंटर किसी के कराम है कि भले आप थोड़ा पैसा ज्यादा ले रहे हो लेकिन आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप उतना का पैसा दे रहे हैं, सब समय आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्पीड जबरदस्त है। तो आप लोग अपने डेटा को डेटा सेंटर पे भी रखने के बारे में सोच सकते हैं। और भी इंडिया में तो श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 500 डेटा सेंटर आ गए, 500। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसी डेटा सेंटर में डेटा रखिए जो कि बहुत अधिक रिलायबल हो, जहां पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बहुत हाई, ऐसे आमतौर पर सभी के पास होते हैं तो आप उसको चेक कर सकते। यहाँ पर भी किसी को कोई भी क्वेरी है क्या?
या किसी को लगता है कि ये इश्यूज मैंने अपने इसको चेंज करना है तो बतला सकता है, अपनी मैं जैसे चल रहा वैसे चलाऊंगा। कोई भी क्वेरी? चलिए आप एक काम करता हूँ, आप लोगों को अभी तक शायद आपको मिला अभी AWS बहुत पॉपुलर है, अच्छा डिजिटल ओशियन है, ये थोड़े एक्सपेंसिव लग्जरी में आते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं ये। अच्छा सबसे बड़ा एडवांटेज डेटा सेंटर का क्या अभी आपको बताना है, मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है उसमें 16 MB रैम है, तो डेटा सेंटर में क्या होता है कि आपको जस्ट क्लिक करके घुसना होता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं 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 नहीं, तो मैं आपको स्क्रीन दिखलाता हूँ, स्क्रीन दिखा कितना आसान होता है, देखिए आप उसको। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे हम लोग डेटा सेंटर, देखिए कैसा एक बटन आता है हम लोगों के पास, हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके अंदर घुसा डेटा सेंटर में, तो मैं वर्चुअल मशीन में घुस गया। अब मेरे पास जो बाहर ये स्क्रीन है, यहाँ पर अगर मेरे पास इंटरनेट की स्पीड 50 MB है, तो यहां पर मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है ये आपकी 200 MB है। सारे सॉफ्टवेयर ओरिजिनल से, सॉफ्टवेयर का पैसा आपको खर्चा नहीं करना है, सारे डाटा सिक्योर्ड है, कोई भी मेरे को डाटा की चिंता नहीं है, मेरे को जो भी खोजना है हमारे यहाँ पे फोल्डर मैनेजमेंट है। आप पूरे के पूरे फोल्डर्स में क्लाइंट में जब डाटा रखिए, क्लाइंट में जब डाटा, ये फोल्डर पूरा का पूरा फोल्डर, जो मैंने आपको बताया था फोल्डर मैनेजमेंट नॉमेनक्लेचर पूरा का पूरा काम करता है आपका ही, तो डाटा खोजना एकदम आसान हो जाता है। आप कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैं, आप अपने कंप्यूटर में जाइए और स्क्रीन को आप शेयर कर लीजिए। बहुत सारी कंपनी है जो डाटा सेंटर की सॉल्यूशन देती है, वो आपकी जो स्पेस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी बेसिस पे आपसे पेमेंट लेती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसके अंदर कि आपको जितना इस्तेमाल करना है ना उतने का ही पैसा देना है। आप जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप उसका पैसा मत दीजिए, सारे सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी एक क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट और आती है भाई साहब कि भैया हमारे यहाँ जो हमारे टीम काम करती है ना, हमारे जो कंसल्टेंट होती है लास्ट डे में काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि साहब हमको डाटा ही लास्ट डे में मिलता है, और क्लाइंट बोलता है कि हमसे लास्ट डे में डाटा मांगा जाता है, तो इसको आप लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं? चाहे वो इनकम टैक्स का काम हो, चाहे GST हो, चाहे अपील हो, चाहे असेसमेंट हो, कोई भी मेरे को बतलाएगा वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते, कैसे करते इस काम को? ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट बोलता हम दुखी हो जाते हैं इससे। तो इसमें क्या आता है, सेल्स फोर्स के अंदर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है। टिकट मैनेजमेंट, मैंने आपसे फिर कहा ना कि सेल्स मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो ये करता है कि आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
और चूंकि हम लोगों के पास काम ठीक है तो हम लोगों ने हमारा बना के रखा है, तो टिकट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कौन सा काम है, उसकी ड्यू डेट्स क्या है, हम जो काम कर रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं हम लोग उस काम को करने के लिए कैसे कैसे काम करना होगा। तो हम लोग हमारे यहाँ पर ये जो इस चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग जो है, और उसकी ड्यू डेट किसकी बगल में आ रही नहीं आ रही है, तो हम लोग जो एक सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों को इस तरीके से बतला देता है, रिपोर्ट देता है टिकट मैनेजमेंट कि कौन बंदा काम कर रहा है, उसके जीएसटी क्या है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उसकी ड्यू डेट्स क्या है, क्या तरह का काम है, क्या प्रायोरिटी है, उसमें हम लोगों ने कितना देर का अटेंडेंस दिया, उसकी क्या ड्यू डेट्स है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको उस पर, ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारी की सारी इस तरीके की ये चीजें जो आपकी सेल्स फोर्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके वहां पे उनके नोमेनक्लेचर के अनुसार आपको वहां पर चलना होता है। तो ये बहुत आसानी से चीजें आपकी अवेलेबल हो जाती है जिससे ये पता चल जाता है क्लाइंट को। फिर एक इश्यू आता है विकास, जो हमारी टीम ने बताया कि सर हमारे पास एक इश्यू ये आया कि क्लाइंट बोलता है कि उसका क्या काम हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर काम हो गया है तो उस काम का हमको डॉक्यूमेंटिंग मिलता है, डिपार्टमेंट में अगर पेपर सबमिट हो गया तो उसका एक्नॉलेजमेंटिंग मिलता है, काम नहीं हो रहा तो उसकी क्यों नहीं हो रहा इसकी वजह हम लोगों को पता नहीं होती है। अगर काम को करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलते हैं। क्या डॉक्यूमेंट बाकी है, क्या इंफॉर्मेशन बाकी है, ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता चलती है, जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत अधिक वरीड रहता है। तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों को कुछ क्लाइंट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को लेकर, आजकल काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये गूगल जो है आपका गूगल शीट से काम हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता वहां से होता है। तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को काफी हद तक आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं क्लाइंट सेल्स फोर्स में, लेकिन सेल्स फोर्स में एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं क्लियर टैक्स, ठीक है ना। अब क्लियर टैक्स जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन अब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो टूए को डाउनलोड करे, क्लाइंट को दे, वो क्लाइंट से डाटा ले, उसका फिर डाटा लेने के बाद पर्चे रजिस्टर बना के दे, सारा काम हम लोगों को करके देना होता है। अब जितना पैसा वो मेरे को देता है उतने पैसे में अपने को साता नहीं है, क्योंकि अपने यहां तो पैसा बंदा लगता है। तो जैसे ये इश्यूज आई वैसी कंपनियां ही सिगरेट बोल के उन्होंने क्या कर दिया, क्लाइंट पोर्टल बना दिया। क्लाइंट जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके साथ उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने भी हमारे क्लाइंट के लिए क्लाइंट पोर्टल बना दिया, तो हम क्या करते हैं क्लाइंट को क्लाइंट पोर्टल देते हैं जहां से वो अपने जीएसटी के रिटर्न को ऑटो डाउनलोड कर सकता है, उसका टूए वहां पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, वहां से वो अपने पर्चे रजिस्टर को अपलोड करेगा तो अपलोड करने से ही वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका आईटीसी का रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। अगर 10,000 डाटा है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जीएसटी के सॉफ्टवेयर बाजार में अवेलेबल है, आप उनसे काम करेंगे, थोड़ा सा पैसा लगता है लेकिन आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो जबरदस्त हो जाएंगे, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैच करने लग जाते हैं, तो क्लाइंट भी हम लोगों को जो है हम लोगों को नया बिजनेस भी देता है, नए रेफरल भी देता है, और नए जो है हम लोगों की अर्निंग काफी टाइम्स बढ़ जाती है। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, मेरा पहला सेगमेंट जो है कि आप लोग कम से कम ये पता कीजिए कि आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको हम लोग क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बोलते हैं। हर एक क्लाइंट की अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उस रिक्वायरमेंट को जानिए और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बाजार में खोजिए। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपके पास कोई इश्यूज हैं और आपको लगता है कि आप वो टेक्नोलॉजी आपके को नहीं मिल पा रही, तो मेरी टीम को, मेरे को फोन कीजिए डायरेक्ट आप घर के अपने, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, या मेरे पास जो चीज है अगर अपने बात कर सकते हैं मैं उसको आप लोगों के लिए साझा करने को तैयार हूं। वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स
वो हम आपके साथ साझा करने को तैयार हूँ। तो एक ये एक्सपेक्टेशन जो होती है, यहाँ पर किसी का कोई इश्यूज है क्या? फिर मैं आपको इम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशन पे डिस्कस करूंगा टेक्नोलॉजी में। किसी के पास क्या कोई क्वेश्चन ही नहीं साहब? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं हम लोग कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक इश्यूज होती है कि यार मेरे जो इम्प्लॉइज हैं उसका पार यानी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो तो काम में बार बार गलतियां करता है और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अधिक झमेला वाला है, वो फोन ही नहीं उठाता है, बात ही नहीं करता है, क्या करता नहीं करता, जवाब ही नहीं देता, ज्यादा बोलकर भाग जाता है। तो हमने इस पे भी हम लोग जो है 130 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनसे बात की, तो हमने बात करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जो मैं आप लोगों को संग शेयर करता हूँ, और उसको कैसे टेक्नोलॉजी से मैच किया जा सकता है, प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। पहला, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? We do not know what they have done within a particular time frame. हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो एम्प्लॉई है, हमारा जो लोग हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और अगर अपने को ये खोजना पड़ जाए कि लास्ट के 15 दिन में क्या काम किया है, वो अपने को पता नहीं चलता है, और अगले 15 दिन में क्या काम करना है वो पता नहीं रहता। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं किस क्लाइंट के लिए कितना समय दिया है। मेरे ऑफिस में पहले ऐसा ही था, हम लोग बोलते हैं चेहरा देख के टीका काटते हैं, मतलब कि कोई क्लाइंट अगर देखता है कि अधिक पैसा दे सकता है उसे अधिक चार्ज कर लेते थे, जो देखता है कि ज्यादा निगोशिएट करता है उसे कम चार्ज कर लेते थे। फिर हम लोगों को लगा नहीं ये जो प्रोसीजर ये गलत है, एक प्रॉपर एक कोटेशन का, जैसे कि मेडिक्लेम में होता है, सब जगह पे होता है कि आप क्या सर्विसेज लोगे उसकी बेसिस पे चार्ज होना चाहिए। हमको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय ने क्या काम किस क्लाइंट के लिए किया है, उसका पर आवर कॉस्ट क्या है। आप देखिएगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जब कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते ना, वो बोलते हैं भैया हमारा ये बंदा काम करेगा 50 घंटे लगेंगे, 1000 रुपया करके 1000 करके 50,000 रुपीज हो गए, उसकी आप मैपिंग कैसे करोगे। तो इसके लिए बाजार में जो हो में बहुत जगह पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाते, आप अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप इस चीजों को मैप कर सकते हैं कि आपका कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर टाइम में क्या काम कर रहा है। लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करोगे लोगे, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आएगा कि जो बंदा है ना वो एंट्री करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तब सब कुछ पता चलने लग जाएगा, या फिर वो जो लिखेगा सही इंफॉर्मेशन लिख रहा है। अब मान लीजिए उसको 8 घंटे का जॉब देना है, वो लिख देगा कि मैंने फला कंपनी का काम कर 4 घंटे लगा दिए, जबकि वहां पर हो सकता है उसका 1.5 घंटा लगाओ। तो वो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वैसा भी करने देना चाहिए कुछ समय तक, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है ना शुरू में, उसको शुरू में बहुत मॉडरेशन लगता है। सेकेंड, चार्टेड अकाउंट हमने जब सर्वे किया, हम लोगों से बात की, सर्वे तो यहाँ तो लोगों ने सर्वे नहीं किया तो बात की थी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जॉब की प्रायोरिटी ड्यू डेट के हिसाब से डिसाइड नहीं होती, हमारे यहाँ पर जॉब की प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि कौन क्लाइंट कितना दिन हमको परेशान कर रहा है, कितना दिन फॉलोअप कर रहा है, हमारी उस बेसिस पे हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। जो पहले अधिक परेशान करता है उनका काम हम पहले कर देते हैं, और भले कोई आदमी क्यू में है तो लगा हुआ तो बेचारा लगा हुआ ही है, उसको हम लोग पूछते ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि टिकट मैनेजमेंट मैंने आपको दिखलाया था, वो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ये भी आपके सेल्स फोर्स में है। फिर एक क्लाइंट ने बताया कि विकास हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमको एक जैसा काम करने के लिए ना
हमको सेम ईमेल को बार बार लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि जीएसटी की ऑडिट करनी है, तो हमको जीएसटी की ऑडिट करने के लिए, इनकम टैक्स की ऑडिट करने के लिए हमको 10 डॉक्यूमेंट चाहिए, 15 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको बार बार उसको लिखना पड़ता है। अब हम जब ईमेल करते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि 11 में, और ट्रेड में चलता है बहुत लंबा, कि कौन सा डॉक्यूमेंट आ गया, कौन सा डॉक्यूमेंट आना बाकी है। अगर वो डॉक्यूमेंट आ गया है तो वो डॉक्यूमेंट कब आया, क्या डॉक्यूमेंट आने के बाद डॉक्यूमेंट में कोई रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमको पता नहीं चलता है। पर हमको क्यों बार बार मानना पड़ता है कि एक ही जैसा भी हमको बैलेंस शीट दीजिए। अच्छा, वो मान लीजिए एक बार जीएसटी ऑडिट के लिए आपको बैलेंस शीट दे दिया, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए दे दिया, फिर अचानक असेसमेंट का मैटर आ गया, फिर हम बोलते हैं कि हमको दोबारा बैलेंस शीट दीजिए। क्लाइंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड दे दिया, एड्रेस प्रूफ दे दिया, फिर बोलता है अमेंडमेंट करना वाला, हमको फिर डॉक्यूमेंट दीजिए आप। तो एक ही डॉक्यूमेंट हमको एक जैसे काम करने के लिए हमको उसे बार बार एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखना पड़ता है, उसको फोन में बोलते हैं, हमें पता ही नहीं कर पाते हैं कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है, कौन सा डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आया है। उनको पता ही नहीं रहता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग हमारी कंपनी में कैसे काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल, अब मान लीजिए मैं खोलता हूँ लाइव डाटा लूजा टेक्सटाइल। अब मेरे को इससे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या प्लीज, कोई भी यस और नो बोल दीजिए सर। मान लीजिए मेरे को डॉक्यूमेंट मंगाना है इसे, तो मेरे को ई गवर्नमेंट मेटर कॉपी डॉक्यूमेंट मंगाना है, मेरे को ई वेबिल की अपील के लिए डॉक्यूमेंट मंगाना, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा, लोड कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पे हमारी कंपनी में हम लोग डॉक्यूमेंट की जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको हम लोग अपलोड कर, हमारा स्पेसिफाइड फोल्डर दिया हुआ है, उसको रिक्वेस्ट फाइल देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास ईमेल हो जाता है। और ईमेल होने के बाद जैसे जैसे वो क्लाइंट डॉक्यूमेंट देता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे अपलोड होता जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्लाइंट हम लोगों को जो है हम लोगों को बतलाता चलता है कि भैया नहीं, तो उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाता रहता है कि भाई मेरे को बतला दीजिए। उसी तरीके से चेकलिस्ट हम लोग बना रहे थे, मान लीजिए कुछ की चेकलिस्ट चाहिए हमको काम करने के, सतीश पाटोदिया जी की आवाज आ रही है क्या? मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जो है हमको जो चेकलिस्ट कलेक्ट नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट डिस्क्रिपेंसी का जो सीनियर हमको जो लिखना होता है बना देते हैं, हम लोग यहाँ पे एसओपी बना देते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर में हमारे यहाँ पर जो अपनी इंडस्ट्री में संजीव सांगी जी बहुत अधिक काम करते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर पे, टिकट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, वो शुरू से काम कर रहे हैं, चूंकि वो अमेरिका का बहुत बड़ा काम करते हैं यूएस का, तो उनका पास है ये चीज, वो है काफी साल से, लेकिन बाकी चीजें उनके पास मेरे को पता नहीं है कि नहीं है। टिकट मैनेजमेंट उनके पास चीजें हैं अवेलेबल। तो मैंने आपसे कहा कि क्लाइंट को पता ही नहीं रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट आया और क्या डॉक्यूमेंट
नहीं गोपाल जी झूठी है, टीका है थोड़ा सा, अगर इनकी आवाज को अगर अपने कंट्रोल कर सके। व्हाट डॉक्यूमेंट दे हैव रिसीव किया, हम लोगों को मैनुअल फॉलोअप करता है, जो कि ऑटोमेशन इसका भी पॉसिबल है। क्लाइंट का कई बार ये कहना होता है कि यार आपका जो बंदा है ना, हमारा फोन ही नहीं उठाता। अगर फोन उठा लिया तो बाद में रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है, और फोन नहीं उठाया तो उठाने के बाद जो है वो कॉल बैक भी नहीं करता, और हमारा एम्प्लॉय बोलता है, हमारा आर्टिकल बोलता है, सर हमारे पास तो कोई फोन आया ही नहीं। सतीश पाटोदिया जी प्लीज थोड़ा सा चेक कीजिए ना प्लीज। क्लाइंट ये बोलते हैं कि सर हमारा, अब ये समस्या हो जाती है, एम्प्लॉई बोलता है कि उनका फोन आया ही नहीं, और हमारी टीम क्लाइंट बोलता है कि आपका बंदा फोन उठाए नहीं। तो इंडिया में नॉरिटी बोल के कंपनी है जो कि क्लाउड टेलीफोनी में पाई नहीं रहा, तो बहुत सारी कंपनियां आ गई है, आप उनसे सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, जहां पर वो आपको ये बतला देंगे कि कैसे आप अपने एम्प्लॉइज हैं उनके कॉल को आप मैप कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसने फोन किया नहीं किया, डेडिकेटेड नंबर दे देते हैं, डेडिकेटेड नंबर पे क्लाइंट को फोन करना होता है, पीछे में एजेंट मैपिंग होता है, क्लाइंट उस नंबर पे फोन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बंदा है उसके पास फोन चला जाएगा, अगर वो फोन नहीं उठाएगा तो जो सेकेंड पर्सन उसके पास चला जाएगा, थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा, तीनों नहीं उठाएंगे, दोनों नहीं उठाएंगे। अगर तीनों ही फोन नहीं उठाते तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, क्या बात हो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इससे अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक आती है। तो ये क्लाउड टेलीफोन सिस्टम से इसका एक सॉल्यूशन है। हमारे जो क्लाइंटों का चार्टर्ड का कहना था कि जो हमारे बंदे हैं ना वो सेम टाइप का काम करते हैं, लेकिन बार बार एक ही जैसी मिस्टेक करते हैं। अब मान लीजिए किसी को जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, वो हरी में एक जैसा रिटर्न कर रहा है, वो बोलता है सर तो बोर हो गया काम को करते करते, डाटा आता है उस डाटा को चेक कीजिए, उस चेक करके फिर वो कैलकुलेशन कीजिए एक्सेल में, हम बोर हो जाते, सर गलती होना तो पॉसिबल ही है। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए बाजार में जो है आज के दिन में आपको एसओपी चेकलिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस होते हैं, जब भी आप कोई डाटा को चाहे GSTR1 का रिकॉन्सिलेशन हो, TDS हो, चाहे रिटर्न फाइलिंग हो, 9 फाइल करना हो, तो वो आपको जब डाटा अपलोड करते हैं तो उनके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग जैसे 400 तरह की मिस्टेक को चेक करते हैं, तो चेक करके आपको बतला देता है। क्लाइंट का एक चार्टर्ड का हमारे जो मित्र है उनका कहना था कि विकास अगर हम अपने एम्प्लॉई को बहुत अधिक कहें ना तो इरिटेट हो जाता है, और उससे भी अधिक क्या दे तो जॉब छोड़ के चला जाता है। खाली छोड़ के नहीं जाता है, वो छोड़ने के बाद कस्टमर भी ले जाता है। तो हम लोगों के संग भी ऐसी घटना घटी, तो जहां से हम लोगों ने सबक लिया था, तो हमारा एक बंदा गया और जाने के बाद जो है वो क्लाइंट भी ले गया। तो हम लोगों ने क्लाइंट से पूछा कि भाई आप जो है आप उसके संग काम क्यों कर रहे हैं, भाई आप इसके संग काम क्यों कर रहे हैं, हम आपके संग काम कर रहे थे, आपको हमारी सर्विसेज में क्या इश्यूज आए। तो बोला विकास ऐसा है कि आम तौर पे आपकी ऑफिस से बंदा ही आता था, हम लोगों ने कभी आपसे बात ही नहीं की, आपकी कोई सीनियर से बात ही नहीं की, वो सारा काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा था, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से करने के बाद जब हमको वो आपके यहाँ जॉब छोड़ दिया, मेरा काम वही कर रहा, तो हम तो उसके साथ कंफर्टेबल है, इसीलिए हम लोगों ने हमारा काम उनको दे दिया। तो मैंने कहा सर आप वो काम तो उसको दे दिए,
आप वो रिसोर्स कहां से लाओगे, और वो हमारी जो कंपनी की इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस है पर विकास की डजंट मेक एनी सेंस, जीएसटी आएगा सब पक्का है, हमको तो टैक्स लेके टैक्स कलेक्ट करके टैक्स जमा करना है। तो हम लोगों की गलती क्या रही कि हम लोगों ने जब बिजनेस को बढ़ाया ना तो हम लोग बहुत अधिक रिलाई करते चले गए अपने इम्प्लॉइज के ऊपर। तो जब हम लोगों ने रिलाई किया, हम लोगों की मिस्टेक आई, तो हम लोगों ने हमारी कंपनी में एक मीटिंग मैनेजमेंट की पॉलिसी डेवलप कर ली, जहां पर हम लोग क्लाइंट के संग रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, और बात करने के बाद केवल बात नहीं करते हैं, उनके संग मिलते हैं, ऑनर से मिलते हैं, ऑनर से बात करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वहां से कोई भी इशू, कॉल मैनेजमेंट का हम लोगों ने पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया, और वो करने के बाद आज हम लोगों को बहुत अधिक आराम है। जो पहले इश्यूज आ रहे थे वो इश्यूज हमारे कोविड में भी नहीं है, और हमारा अच्छे से चला गया, बिकॉज हम लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कभी हुए ही नहीं। एक हमारे दोस्त जो सीए कम्युनिटी में, उनका कहना था कि इनका हमेशा एक हमको चिंता लगी रहती है कि हमारे जो क्लाइंट के डेटा है वो मिसयूज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मैप मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी जा सकती है, कोई भी किसी का डाटा कहीं भी रह सकता है। अब तो वर्क फ्रॉम होम आ गया है, ज्यादातर लोग घर से काम करते हैं, अब ये वर्क फ्रॉम होम आने के बाद तो और अधिक हमको चिंता लगने लग गई। हम लोग जब भी किसी बड़ी कंपनी में टेंडर करने जाते हैं तो वहां पे इश्यू आता था कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे बतलाई हमको, तो दो जगह हम लोगों को प्रॉब्लम आई। तो हम लोगों को समझ में आया कि इसके लिए आपको ISO 27000 आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, अगर आपको बड़ी गवर्नमेंट कंपनी का जॉब चाहिए, टेंडर चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रूफ करने के लिए थर्ड पार्टी के लिए आपको ISO 27000 लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों ने हमारे यहाँ पे पूजा से वर्क फ्रॉम एनीवेयर कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप बोलेंगे वर्क फ्रॉम एनीवेयर होता क्या, वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर क्या होता है? वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक ऐसा टूल होता है जहां पर आप जो है अपने जो इम्प्लॉइज हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो किस क्लाइंट का काम, किस क्लाइंट के फोल्डर को चूज करेगा, किस तरह की फाइल को आप वो देख सकता है, किसको मेल कर सकता है, कितनी देर काम कर सकता है, अगर वो घर पे नहीं है कहीं पर भी है तो 1 KB का डाटा है उसका, आप उसको जो है जो क्या बोलते हैं अपने आईपी एड्रेस, आप उसके आईपी एड्रेस को आप जो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसी आईपी एड्रेस से करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी जो है वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो कंसेप्ट है उससे आपकी दूर हो सकती है। और यहाँ पे PS++ बोल के सॉफ्टवेयर आता है जो आपको ये भी बताया था कि आपका जो बंदा है वो वास्तव में घर पे बैठ के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि घर पे बैठ के एकदम वो वैसे ही बैठा हुआ आपको तो लग रहा है काम कर रहा है, या वो दिन भर में ऑफिस में बैठ के क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जो TS+ सॉफ्टवेयर होता है वो ऑडिट ट्रेल आता है, ये आपको बतला देता है कि कौन से लॉगिन आईडी से क्या क्या काम कब कब किया गया। तो इस तरीके से जो चीजें हैं बहुत तेजी से बदल रही है। और एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उन लोगों की पुअर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का स्किल बहुत पुअर होता है, क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं उसको लिख नहीं पाते हैं, जो बोल रहे हैं उसको लिख नहीं पाते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो कॉपी पेस्ट के कंसेप्ट में चले जाते हैं। तो इसको आप जो है गूगल ट्रांसलेट और ग्रामरली की मदद से आप दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे एम्प्लॉइज के इश्यूज थे। इसमें किसी कुछ कहना तो नहीं, मेरे लास्ट जो सेगमेंट है रोबोटिक, ये फ्यूचर जो दिखेगा, मैं आपको दो केस स्टडी समझा देता हूँ जो रियल केस स्टडीज है। देखिए ये फ्यूचर हम लोगों का सीए प्रोफेशन का फ्यूचर, आपको अच्छा लगे खराब लगे जो भी है ऐसा ही होने वाला है, रोबोट आप लोगों का काम करने वाला है। मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे। देखिए एक नोटिस है डिपार्टमेंट से, ये देखिए हमारे यहाँ पे हम रोबोटिक कैसे काम करता है। एक नोटिस है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने नोटिस में एलिगेशन लगाया कि भाई आपने जो ITC क्लेम किया है वो बोगस बिल पे लिया है, गुड्स आपने रिसीव भी नहीं किया है, आपने ई वे बिल में जो ट्रक नंबर दिया वो फेक है, और हमको अप्रैल 2018 से जो है आप ई वे बिल का रिकॉन्सिलेशन करके दीजिए, और रिप्लाई टाइम टू डिपार्टमेंट 7 डेज, आपको सारा का सारा काम 7 दिन में करके देना है।
तो हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या थे? हमारे पास चैलेंज था कि क्या तो क्लाइंट जो है ईमेल बिल डाउनलोड नहीं करके रखा था पूरा, या कुछ डाउनलोडेड थे तो वो इनवॉइस के पीछे पीडीएफ का प्रिंट करके रखा था तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा था। दूसरा एक इश्यू आया कि जब हम पोर्टल से ईमेल बिल को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो तीन ऑप्शन आते हैं वहां पर, इनवर्ड, आउटवर्ड, जनरेटेड बाय अदर्स। तो एक बार में 5 दिन का ही हमको डाटा डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, 30 डेज का ऑप्शन जो है जनरेटेड बाय अदर्स में अवेलेबल नहीं है। 30 डेज का ऑप्शन 8 से 12 ही होता है। हम जो पोर्टल से जो ईमेल बिल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें ट्रक नंबर नहीं होता है, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट नहीं होते, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स नहीं होती है, लेकिन वो डिटेल्स जो है पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, हम जो 5 दिन का डाउनलोड करेंगे उसमें जो मंथ एंड डेट है, किसी महीने में 30 भी है, किसी महीने में 31 भी है, फरवरी तो 28 और 29 भी है। अब उसको अगर मैनेज कर भी ले किसी भी तरीके से भी डाउनलोड करके मजबूरी है करेंगे, तो अब वो अलग अलग एक्सेल फाइल है। अगर 3 साल का अगर हम खाली 18, 19, 20, 21 का करेंगे 291, हम ये मान रहे हैं कि आप जो है इनवर्ड और आउटवर्ड का मंथली बेसिस पे मॉर्निंग में कर रहे हैं और बाकी जो 5 दिन का कर रहा है आपका बंदा बहुत स्मार्ट है, तो सिंगल एक्सेल जो है 291 फाइल आएंगी। अब वो 291 फाइल में जो है उसका डाटा मर्ज कैसे करें, अब उसका कंपेरिजन करना परचेज रजिस्टर के संग जीएसटी आर के साथ, और एक समस्या था डाटा की संख्या 85,000, टाइम है 7 दिन का। तो ये जो काम करना था ये काम पॉसिबल नहीं था, ये कैसे करेंगे कोई समझा सकता है? ये काम जो है इस तरह की कोई ना तो बाजार में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस तरह के काम को करने के लिए, कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर इसके लिए अवेलेबल नहीं है जो आपको ई वे बिल का डेटा को डाउनलोड कर देगा या ई वे बिल के डेटा को डाउनलोड कर देगा पीडीएफ में, तो उससे ट्रक के नंबर, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट, ट्रांसपोर्टेड को फेच करके दे देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने जो सोल्यूशन लगाया ना, हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने रोबोट का इस्तेमाल किया, और रोबोट के इस्तेमाल से हम लोगों ने जो किया, क्योंकि हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि ऐसा ही दुनिया में जब मेरे पास है तो हो सकता है आपके कुछ लोगों के पास हो, और कुछ लोगों जिनके पास नहीं हो साल 1.5 साल 2 साल उनके पास आ जाएगा, लेकिन जो पहले लाएंगे वो पहले ज्यादा जीत में रहेंगे और उनके पास अपॉर्चुनिटी पहले से अधिक रहेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, क्योंकि हम लोग ई वे बिल का जो डेटा है 91,000 डेटा, उसको डाउनलोड करने में हम लोग को तकरीबन 1.5 घंटे लगे। रोबोट अपने आप जाता है आपके ई वे बिल पोर्टल पे, कैप्चा को तोड़ता है पर अपने आप डेज जो है चेंज करता रहता है, डाउनलोड करता रहता है। अब वो 91,000 को केवल डाउनलोड नहीं करता है, डाउनलोड करने के बाद वो उसके पीडीएफ से 3 दिन लगा हमको, वो उसके पीडीएफ से टेबुलर कॉलम में डाटा को भी ले जाता है। हमारे पास जो जीएसटीआर 2A का डाटा है वो जीएसटीआर 2A के डाटा को लाता है, उसको आपस में कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाकर दे पाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि जिनके पास ये सॉल्यूशंस है जो ये अभी खोज रहे हैं वो दे पा रहे हैं, और अगर बाजार में इस तरह की चीजें जाती हैं तो क्लाइंट बोलेगा भाई वो बंदा दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, आप व्हाई यू आर नॉट। तो उसके पास क्या होगा कि वो काम जो है फिर सिलेक्टेड लोगों के पास जाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी सोच में जो है परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन करने के बाद जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ, केवल एडवांस एक्सेल जानना, पावर क्वेरी जानना टेक्स्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, केवल एडवांस एक्सेल जानना, पावर क्वेरी जानना, पीवोट जानना, ये टेक्स्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आपको एक इश्यू और दिखलाता हूँ, एक और इश्यू आया, ये हमारे क्लाइंट की तरफ से आया था। अब हमारे क्लाइंट हैं उनका मोर देन 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो बोलते हैं कि विकास हमको एक आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन चाहिए परचे रजिस्टर के साथ, लेकिन हमको साथ साथ चाहिए कि बता कि हमारा जो वेंडर है उसके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर इनवॉइस एप्लीकेबल है
तो वो हमको जो इनवॉइस दे रहा है विद आईआरएन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका एड्रेस क्या है, क्या उसका जीएसटी पोर्टल पे आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, वो रिटर्न टाइम से फाइल करता है कि नहीं करता है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है कि नहीं है। जो मिसमैच आ रहे हैं, जो मिसमैच आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि मिसमैच की नोटिसेज उसको वन को में चली जाए। अभी अपने क्या करते हैं, एक्सेल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, ईमेल करते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें भी एक जगह अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर है जैसे पावर बी आई, टैबलू, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो जो आने वाला समय है ना, पावर बी आई, टैबलू, इन सब चीजों का समय है। तो मेरा यही है कि आप लोगों को टेक्सटेक जो टेक्नोलॉजी है, इस पर आप लोगों को वर्किंग करनी रहेगी। और अगर आप इस पर वर्किंग करेंगे तो आप लोग जो है आने वाले साल दो साल, और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑर्डर ड्राफ्ट हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, अब उसमें रोबोटिक ने जगह ले ली है डीप लर्निंग के साथ में। आप लोगों ने देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की ट्वीट आएगी कि हमारे यहाँ पर ऑर्डर जो रोबोटिक से हो रहे हैं। रोबोटिक का मतलब क्या है कि वो एक पीछे एक इंटेलिजेंस रोबोट जैसा एक बंदा सॉफ्टवेयर है जो जज से पूछता कि साहब आप मेरे को अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए स्कैन करके, आपको इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें चाहिए, आपको क्या क्या चीजें देखनी मेरे को बतला दीजिए, मैं उन सब चीजों को देखने के बाद मैं आपको एक ऑर्डर बना के दे दूंगा, आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा। और ऑर्डर बनाने के पहले मैं आपकी राइटिंग, क्या मेरे को 100 ऑर्डर जो आपके मेरे को आप दे दीजिए, या 1000 ऑर्डर मेरे को आप दे दीजिए, या मेरे को आप 1 लाख ऑर्डर दे दीजिए जहां मुझको पढ़ना है। तो पढ़ के मैं उसके हिसाब से आपके जो प्रोस एंड कॉन्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं रिप्लाई बना दूंगा। ये काम हम लोगों की आईआईटी खड़गपुर ने करके दिया टीम ने। अब यही काम इसके रिसर्च पोर्टल पे, इसके जो रिसर्च पेपर है पोर्टल्स पे वाइडली गूगल में अवेलेबल है। तो इसको लेकर हम लोग भी काम करें, फ्रांस की कंपनी भी काम करे, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तब सोचिए क्या होगा समय, आने वाले समय में जब डिपार्टमेंट से नोटिसेज आएगी तो डिपार्टमेंट से जो नोटिसेज की रिप्लाई है वो नोटिसेज का रिप्लाई भी कंप्यूटर ही कर देगा, जैसा कि अमेरिका में फिलहाल व्हाट्सएप करता है। तो हम लोगों को भी समझना होगा कि हम लोगों को टेक्सटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। आप पसंद कीजिए चाहे नापसंद कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है अब हमारे जीवन का जो है एक अहम हिस्सा बन गया। तो अब आप लोगों की तो मेरे पास इतना ही कुछ बतलाने के लिए, मैं नेसेसरी इसको 7 मिनट तक टाल नहीं सकता हूँ। तो आपकी क्वेरीज हैं, मैं ऑलवेज वेलकम हूँ आपके सजेशन देने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ बतलाने को नहीं एक्स्ट्रा, मैं जबरदस्ती रिपीट नहीं करना चाहता। गोपाल जी क्वेरीज कुछ भी ले सकते हैं अपने। I will request to the all the participants, if they have any query in this regard, they can ask to our speakers. Any kind of any query sessions they can put forward. Vikash ji, हाँ, आपने ClearText का एक example में बताया, जैसे कि आप client को आप लोग portal share कर देते हैं client के end का, right? और तो वो चीज क्या ClearText में भी अवेलेबल है क्या? नहीं, ClearText में अवेलेबल नहीं दोस्तों। ClearText के अपन देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, आपको समझना होगा। एक जो सस्ता होता है और एक जो कि मैंने जो आपको मतलब कि जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोई चीज दे रहा है ना, तो आपको वही सोल्यूशन देगा जो आम लोगों की बहुत अधिक जरूरत है। और बाजार में जो दूसरा सॉल्यूशन आता है ना, वो आपको जो सॉल्यूशन देगा जिसका प्राइस चार्ज करेगा, जो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर्स, जैसे आप समझ सकते हो कि ClearText आपके लिए एक एल्टो कार है, लेकिन वो आपको होंडा का मजा नहीं दे सकता है। अगर वो होंडा कार है तो मर्सिडीज का मजा नहीं दे सकता है। राइट राइट। तो उसके लिए अपने को क्या होगा ना, अपने को पता होना चाहिए कि बाजार में ऐसे सॉल्यूशन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या ना। मैं आपको प्रतीक जी हमेशा बोलता हूँ कि ये सबको बोलता हूँ कि हम लोगों को क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, हम क्या वो सम्मान देना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हम वो सम्मान दें जो क्लाइंट को चाहिए। हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हम लोगों को फीस नहीं मिलती है जो फीस की हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या वो क्लाइंट हम लोगों को स्विच ओवर कर जाता है।
तो हम लोगों को उसके लिए क्या बाजार में ऑप्शंस भरे पड़े हैं, आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तीन जजमेंट अभी हाल फिलहाल में कोर्ट के आए हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे ये कंप्लायंस जो है ना, कंप्लायंस की सोच बदल जाएगी आने वाले 1.5-2 साल में, 1.5-1.5 साल में। एक इंडिया में ट्रेंड चल रखा है, ट्रेंड क्या चल रखा है कि कोई भी नया लॉ आता है ना, तो हम लोग लॉ के अगेंस्ट में है ना, हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि भैया तो लॉ गलत है, ये लॉ गलत है। तो हम लोग क्या है, कोर्ट के अगेंस्ट में, मैंने लॉ के अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे सेवल्टी हो, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड हो, जो भी हर चीज का कोर्ट। तो वैसा ही हुआ जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के लिए। तो गुजरात ने कहा कि हाईकोर्ट ने, भैया ये जो रिफंड का फॉर्मूला यही गलत है। मद्रास ने कहा भैया ठीक है, जो लॉ में लिखा हो सही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला भाई ऐसा है कि अदालत का काम जो है कानून पे राय देना है, ये नहीं बताना कि सही क्या और गलत क्या है, ये काम जो पार्लियामेंट का है। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सभी कोर्ट्स को कि फ्यूचर में आप लोग केवल ये बतलाएंगे क्या सही और क्या गलत है, आप लोग ये नहीं डिफाइन करेंगे कि लॉ कैसा होना चाहिए, फॉर्मूला में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या एक्सक्लूड, ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम पार्लियामेंट को करने दीजिए। तो इससे क्या आपको समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि आने वाले समय में अगर कोई भी लॉ, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे कस्टम का हो, कोई भी लॉ हो, हमको उस लॉ को मानना पड़ेगा। आप उस ये जाके चलो ऊपर जाके कोर्ट में जाके चैलेंज करने के रिलीफ पा जाएगा, वैसा समय आने वाले समय में नहीं मिलेगा। एक जजमेंट आया आपका, किसी के यहाँ पर जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इन्वेस्टिगेशन होने पर डिपार्टमेंट के बंदे जाते हैं, बोलते भी अपने स्टॉक दिखाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, बोलता सर ये देखिए इतना सारा गोडाउन, आप स्टॉक मिला लीजिए, हमारी तो क्षमता नहीं है मिलाने की देने की, आई एम नॉट कैपेबल एनफ कि हमारे पास क्या स्टॉक है, तो आई एस्टिमेशन कर लीजिए, हम जो बुक्स मांग रहे सर ये जो बुक्स है यहाँ पे पड़ी है, अच्छा इसको। तो डिपार्टमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ी इस डॉक्यूमेंट को उसी प्रिमाइसेस से निकालने में और स्टॉक को वेरिफिकेशन करने में। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इनको लगा कि गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो एक काम करो स्टॉक को सीज कर देते हैं। तो जब स्टॉक को सीज कर दिया तो मैटर फिर हाईकोर्ट में गया, जैसे कि ये तो गलत है, ये डिस्क्रिपेंसी है, सप्रेशन नहीं है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो बुक्स में स्टॉक है, जो फिजिकल स्टॉक है, ये दोनों में मिसमैच है, तो डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए सीजर नहीं हो सकता है और आप उनको बाउंड ही नहीं कर सकते कि पेमेंट दे के उनको पहले ये खुलवाना पड़ेगा, जो कि सप्रेशन में होता है। तो दोनों ओर से बहुत आर्ग्यूमेंट हुए, आर्ग्यूमेंट होने के बाद कोर्ट ने कहा, जो कि आने वाले समय माइलस्टोन बनेगा, जहां पर जो चीज होनी चाहिए वहां पर वो चीज नहीं है, एसईसी को जो करके रखना चाहिए अगर वैसा नहीं करता है तो ऑफिसर क्यों इस बात को यकीन नहीं करे कि ये जानबूझकर छुपाने की इरादे से किया गया, यानी ये सप्रेशन। और उन्होंने सीजर को जस्टिफाई कर दिया, यानी अब हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हमारे क्लाइंट को समझना होगा कि आके बोल देना कि भाई किसी की क्षमता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, हम तो एवरीडे बेसिस पे स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी आएगी, ये नहीं चलेगा। एक जजमेंट और हुआ कि जैसे आपकी DRC 01A आती है या प्री कंसल्टेशन का इनकम टैक्स में प्रोसीजर है, तो जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है, प्री कंसल्टेशन के लास्ट टाइम पे ईमेल करता है, बोला कल आ जाइए, 2 दिन में आ जाइए। तो ऐसे ही उस बंदे के साथ हुआ, उसको 2 दिन का समय दिया गया, वो कोर्ट गया, बोला सर ये कैसे संभव है, आप आज ईमेल करते बोलते कल आ जाओ, ये तो संभव नहीं है। फिर कोर्ट बोला ठीक है जाके बैठो, वापस बैठना होगा, 15 दिन बाद का समय दिया गया, फिर 15 दिन बाद बैठी। तो वहां पर ऑफिस डिपार्टमेंट बोलता अच्छा बोलिए आपको क्या बोलना है, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, अपने उनसे स्टेटमेंट लेता, वो कोर्ट पे गया, बोला सर आप प्री कंसल्टेशन बोल रहे हैं, यहाँ तो प्री कंसल्टेशन हुआ है, उन्होंने मेरा वॉलंटरी स्टेटमेंट ले लिया। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये प्री कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आपको पूरी कोशिश करनी है जिससे लिटिगेशन को जितना मिनिमाइज किया सकता करना, आपको केवल वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं लेना है। तो ये तीनों जो जजमेंट आप देखोगे उसका मतलब क्या है कि कोर्ट अभी जो चाह रहा है कि हर आदमी, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोर्ट हो, जो भी स्टेक होल्डर्स है,
उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए, उनको कंप्लायंस करना, यानी अप्रोच बदलने की कोशिश हो रही है। तो अगर अपने को अप्रोच बदलना है तो आपको क्या करना होगा, अधिक से अधिक जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन उसको मीट करना होगा, और उसमें जो टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और है? एक और क्वेश्चन था विकास भैया, आपने एक और चीज बताया, वो जो डेटा सेंटर वाली बात बता रहे थे आप, उसमें आप ऐसा कुछ बोल रहे थे जिससे कि सॉफ्टवेयर्स को वीडियो स्टार्ट करें तो इजी रहेगा, मेरे को समझने में थोड़ा सा, अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो तो। एक सेकंड भैया प्लीज, अब मजा आएगा बात करने में। आप ऐसा कुछ बता रहे थे भैया ना डेटा सेंटर्स के बारे में, जिसमें समथिंग लाइक कि सॉफ्टवेयर्स के जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स वहां पे मिलेंगे, उसके लिए आपको परचेजेस नहीं करना होगा। राइट, तो डेटा सेंटर इंडिया में क्या होगा ना, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अब इंडिया जो है डेटा सेंटर का बहुत बड़ा मार्केट बन गया। अब लोगों के पास, लोग इतने अवेयर नहीं है, जहाँ की डेटा सेंटर पे आपको मंथली रेंट मिलेगा, डेटा को क्लाउड पे रखे डेटा सेंटर का सके, ये जो डेटा सेंटर नहीं ऑफरिंग दे रहे हैं कि सर ऐसा है कि आप जो काम करेंगे हम तो आपको वर्चुअल मशीन दे रहे हैं, तो हम वर्चुअल मशीन में जो सॉफ्टवेयर आपको देंगे ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या जो भी आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वो भी जेन्युइन रहेंगे, तो आपको वो भी अब खरीदने की जरूरत नहीं है, और आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो इस तरह के ऑफर्स भी आ रहे हैं। ओके, नहीं एक्चुअल में मैंने भी फ्री ट्रायल्स बोल के AWS ऑफर करते हैं, तो आई हैव ट्राइड दैट, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट ओवर देयर, दैट वाज बेसिकली सॉर्ट ऑफ सर्वर। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ऑफरिंग होती है ना, जब डिस्कशन जब लेटेस्ट स्टेज में आती है ना, जब आप बोलते हैं मेरे को आपका प्राइस अच्छा नहीं लगा, तो ये फिर सेकेंडरी स्टेज में ऑफरिंग आती है इस तरह, फर्स्ट स्टेज में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। Okay, so this is a part of a negotiation with you. Yes, आपका negotiation अच्छा रहेगा ना, और आपको हमेशा जब भी रहेगा ना, दो चार वेंडर और हैं, आप उन सबसे बात करेंगे ना, और आप जो है ना भी केवल AWS से बात मत कीजिए, AWS के अलावा बहुत सारी कंपनी है बाजार, आप क्या ना, वो आपको आप पांच लोगों से बात कर लोगे ना, आप एजुकेट हो जाओगे। True. तो उसके बाद आप जब डिस्कशन करोगे ना, तो आपको सब पता लगेगा, चाहे मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट मोर ऑर लेस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे सबका कंसेप्ट एक ही है, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल सब लोग जबरदस्त तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। अभी जो बिल्डिंग्स बन रही है डेटा सेंटर की, वो भूकंप आने को भी गिरेगी नहीं, वो स्कैन हो जाएगी पूरी की पूरी। अच्छा, हाउ अबाउट कि भैया जैसे पीपल आर अफ्रेड, लाइक क्लाइंट्स आर इवन अफ्रेड ऑफ कि नहीं क्लाइंट क्लाउड पे डेटा नहीं स्टोर करने चाहिए, दैट कुड बी फेस्ड बाय द डिपार्टमेंट। आपके पास तो डेटा और क्लाइंट के पास पहला चीज इतना है, वो क्या लगता है ना कि जैसे मैं मेरे पापा की बात करूंगा ना, तो मेरे पापा ने बोला यार मैं जितना कंफर्टेबल हूँ पढ़ने में, मतलब पेपर में, आज उनसे अगर बात करेंगे तो वो न्यूज़पेपर में बहुत कंफर्टेबल उनको जो पढ़ना होगा। मान लीजिए कि जब मेरी बात होगी तो मैं बोलता चल मैं मोबाइल में भी न्यूज़ को पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन हमारी जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो बोले यार क्या आप कैसे मोबाइल में देखते हैं, जरूरत ही नहीं है यार, उनको हो सकता कोई वर्चुअली आके, आजकल वो एलेक्सा उनको नहीं सुनाओ, आज का मेरा बेटा बोलेगा उसको एलेक्सा आ जाता है। इसलिए जो लोग हैं वो अफ्रेड रहते हैं कि जो चीज़ें चल रही है पता नहीं क्लाउड में जाएगा क्या होगा, लोग क्लाउड को कुछ और समझ लेते हैं कि वहां पे जाके कोई भी किसी का डेटा ले जाएगा, ऐसा नहीं होता, तो वो नॉलेज की कमी है। ओके, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, मतलब टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी यू हैव थ्रोन अ गुड लाइट। पॉसिबल, सब चीज पॉसिबल है, सब चीज और ये अवेलेबल है मार्केट में, खाली आपको खोजना पड़ेगा, नहीं मिले तो मेरे पास आके मैं दे दूंगा। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू भैया। एनी अदर मेंबर्स, any member can ask their questions, their query, any
विकास भैया? हाँ भैया। नहीं विकास बतवाल जी को खोजो एकदम, विकास बतवाल भैया को पता नहीं है। हाँ आपका कोई क्वेरी भैया? नहीं अभी तो नहीं है। ये अपने ये सॉफ्टवेयर बनाए विकास भैया? हाँ अपने इसका किसे क्या कर रखे हैं? हमारे इंटरनल यूज के लिए है वो इंटरनल यूज के लिए बना रखे हैं क्या पर अपने? हाँ मैंने जो हमारे अच्छा, विकास जी हाँ जी एक चीज बताइए मेरे को, 250 GB का जैसे मेरा टैली डाटा है और एक्सेल डाटा है, क्लाउड में अगर सेव करना है तो कैसे किया जा सकता है? कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल है। आप जैसे फाइल को सेव करते हैं खाली उसको क्लिक कीजिए, सेव हो गया अपने आप डाटा। हेलो मैं आपको दिखलाता हूँ, मेरे को कुछ सेव करना रहेगा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे आवाज। हेलो कुछ नहीं आवाज आ रहा आपका? बहुत कम आ रहा है मेरे को। हाँ भैया बहुत सिंपल है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, कुछ नहीं होता है। क्लाउड में लोग जब जाते हैं ना भैया, जैसे मैं आपको अपना स्क्रीन दिखलाता हूँ, मैं यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक किया ना वैसे ही मैं क्लाउड में एंट्री कर गया। नहीं वो ठीक है, मतलब क्लाउड में कौन सा सॉफ्ट किस क्या क्या लेना चाहिए, मतलब वन ड्राइव वगैरह में तो कैसे लेना चाहिए? ये भैया ये एक्चुअली मैं ईमानदारी से बोलूं मेरे को नहीं पता है, मेरी जो टेक्निकल टीम है ना ये मेरे को पूरा एजुकेट करती है। अनंत बोल के लड़का है, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर सकता हूँ। ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन और एक आपका सर्किट वर्ल्ड है पंकज। पंकज क्या? पंकज बैद सर्किट वर्ल्ड। ओके 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 वो आपको बहुत, इन लोग क्या ना मेरे को सजेशन देते रहते हैं, इन लोग हमारे लिए कोशिश करते रहते हैं तो उनको पता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर का जो आदमी है बंदा है वो मेरे को 100 GB का बोल रहा है कि ईयरली 10,000 to 12,000 लगेगा। इसमें तो आपका मेरे को नहीं पता क्या लग रहा है। रियल टाइम बेसिस में नहीं, मेनली चीज है कि वो मतलब रियल टाइम लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज वो सपोर्ट चाहिए था। ठीक है मैं महीने का आज के दिन में तकरीबन 85,000 का दे रहा हूँ। क्या चीज का? ये क्लाउड मेंटेन करने का। ओके तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली वो हम लोगों का, एक्चुअली हम लोग क्या पूरी पेपरलेस ऑफिस में हो गए, हमारा डाटा वॉल्यूमिनस है, हो सकता है उसकी वजह से लग रहा होगा। जैसे अभी उन्होंने मेरे को सोल्यूशन दिया कि भाई पैसे तो बहुत लगते हैं, अब पैसे तकलीफ भी होती है इतना पैसा लग रहा है, तो अभी उन्होंने मेरे को सोल्यूशन दिया है कि जब हम मैंने ऑटो कॉम्प्रेस्ड, मतलब जैसे ही हम फाइल को क्लोज करेंगे हाँ, वो ऑटो कंप्रेस होके वो चला जाता है क्लाउड में, वो तो सही हाँ, है वो उससे हम लोगों का पैसा काफी बचना चाहिए। तो अभी ये सब भी सॉल्यूशन आने लग गए। नहीं तो आप क्लाइंट पेपरलेस ऑफिस जो आप बोल रहे हो तो क्लाइंट के जो डाटा आते हैं हार्ड कॉपी उसको क्या करते हो? सपोज हार्ड कॉपी एक तो मोटा मोटी पैसा हमारे यहाँ पे क्या हो गया ना, मोटा मोटी हमारे यहाँ पे डाटा ईमेल में आने लगे, और अगर किसी वजह से क्लाइंट का डाटा आता है तो हमारे पास मैंने आपका इंडस्ट्रियल स्कैनर है, टीम बैठा हुआ है, वो तो डाटा बहुत कम आते हैं। अगर डाटा आ भी जाता है तो हम लोग के पास स्कैनर है, वो स्कैन बहुत फास्ट करता है, ऑटो रिवर्स वाला। हाँ वो मालूम है, वो तो ऑटो रिवर्स करके ऑटो करता है। तो हम लोग वहां पे जाकर उसको कॉम्प्रेस करके डाटा चढ़ा देते हैं। नहीं वो तो सही है लेकिन मैनेज नहीं हो पाता है। बेसिकली क्या है, फाइल में रहने से अपने पास रहता है वो मैनेज की कौन सा डाटा कहाँ पर है, वो मैनेजमेंट इज वेरी टफ। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मैनेजमेंट जरा सा स्टिल। मैं आपको अपना दिखाता हूँ देखिए मेरे लिए कितना आसान है, मैं आपको नया चीज दिखाता हूँ। देखिए हम लोग हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस कर, मैं आपको दिखलाता हूँ क्योंकि खाली मानने वाली बात है भैया। जैसे हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर देखिए हम लोग आपको फाइल मैनेजमेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइल मैनुअल कि कैसे आप मेंटेन करोगे। नोमेनक्लेचर इज वेरी इम्पोर्टेंट भैया। हाँ हम तो क्या ईयर वाइज करते हैं। देखिए भैया जैसे भी हम जैसे क्लाइंट का काम करें, मान लीजिए हम कुछ कंपनी का काम करना है, एक ही ट्रेडिंग का काम करना, हमने कुछ काम किया हुआ इसका। हम इसको सर्च करेंगे एक ही ट्रेडिंग का, हमने जीएसटी का काम किया, 990 का काम किया, 17-18 का जो भी काम किया, जो डॉक्यूमेंट है आपका, मेरे को जो एक्सेस अलाउड है मेरे को मेरे एक्सेस से मिल रहा है जो मैंने काम किया होगा, तो मेरे को उसका कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे को सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ मिल गया क्लिक करते ही। अब नहीं तो वैसे ही लगता हूँ। हाँ बिल्कुल लगता होंगे नौ लोग मिले, कितना आसान हो जाता है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए आसान हो जाता है, ये जो आप बोले ना कि रखने का वाला बात, मेरे लिए आसान है। नहीं तो आप जैसे अपने ऑडिट्स करते हैं तो जो पुराने डाटा को आप रखते हो कि डिलीट करवा देते हैं? नहीं मैं रखता हूँ सर,
हमारे यहाँ पास सर पूरा पूरा स्कैंड कॉपी नहीं, वैसे नहीं, मतलब प्रोविजनल जैसे बनने आई ऑडिट हुई, ऑडिट के पहले का जो डाटा है उसको अपने रखते हैं कि डिलीट करवा कर देते हैं? हमारे यहाँ पहले पहले मैनुअल डाटा होता था, तो मेरे सारा डाटा, हम लोग जो डाटा आता है ना, तो हम लोग अगर मान लीजिए फिजिकल डाटा भी जाता है तो हम लोग स्कैन करके रख लेते हैं, हम लोग फिजिकल कुछ भी नहीं रखते। ठीक है, ओके विकास। और वो हमको क्या क्लाइंट को 200 MB का डाटा मेरे को क्लिक करके लिंक, मेरा ऑटो लिंक बन जाता है और लिंक मेरे को क्लाइंट को ईमेल करना और ईमेल खुल जाता है उसके पास, और वो लॉगिन बेस्ड है, मतलब अगर कोई भी लिंक उस पर लेके खोल नहीं सकता है। नहीं वैसे तो हम लोग भी, वो तो हम लोग भी बहुत ही जब वन ड्राइव में रखने लगे कि क्लाइंट को भेज दिए वो ही कैन सर्च एंड फाइंड आउट, वो तो हर कुछ वन ड्राइव में भी रखने लगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो जी सूट या वन ड्राइव में भी रख के काम करते हैं। लेकिन मेरा सर प्रॉब्लम क्या आती है ना, जी सूट जब छोटे है मतलब लिमिटेड क्लाइंट है ना, अपने मैनेज कर सकते हैं लिमिटेड, सबके लिए पॉसिबल नहीं है अभी जी सूट। लेकिन अगर आपने कॉलम को वॉल्यूमलेस जैसे अगर बोल रहे हैं कि 1000 लोगों का डाटा रखना है, ऑडिट करनी, रिटर्न फाइल करना, तो डिफिकल्ट रहता है। नहीं जी सूट में अगर पांच यूजर, अगर 2-3 यूजर आने तो आपको जी सूट रखना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल, और रियल टाइम में अगर काम हो रहा है तो जी सूट के अलावा काम नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे मान लीजिए 36 बच्चे काम करते हैं ऑपरेशंस में, 1000 से ऊपर क्लाइंट है मान लीजिए एग्जांपल के लिए। अब हमको 1000 क्लाइंट का डेटा देखना है, कोई भी चीज चाहिए हम कहाँ से करेगा? तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कस्टमाइजेशन करते हुए रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो हम लोगों के यहाँ पे की कोशिश है कि जो काम दोबारा करना है वो काम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होना चाहिए पहला, और कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन है वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, क्लाइंट के कोई भी इश्यूज इमीडिएटली एड्रेस होने चाहिए, किसी भी सूरत में हम जो काम कर रहे हैं उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉई को उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अधिक मिलना चाहिए, लेकिन हमको भी तो अधिक मिलना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए मेरा कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। तो हम लोगों ने 7-8 प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको करते चले गए। तो ये अपने को करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए अगर अपने चाहते हैं, क्योंकि ऑडिट तो खत्म होती जा रही है डे बाई डे। अब आप जब खत्म हो रही, डिपार्टमेंट आपको समय देगा नहीं, समय देगा नहीं तो अपने कंप्लाई या कोई भी नोटिस का रिप्लाई करना है, कोई भी काम करना, समय वो देगा नहीं, वो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। सही बात है, आप इंटेलिजेंस तो ले आएंगे लेकिन इंटेलिजेंस के लिए रिपोर्ट तो चाहिए, वो रिपोर्ट तो वो टेक्नोलॉजी देगी ना, अपने सर्जन है लेकिन सर्जन भी तो कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी काम करेगा। Any other member have there any query? Because ji ha bhaiya fir apne koi query, I don't think so ki any member has right now. तो अपने क्लोज करते भैया, तो रीक्लोज द सर, बट हां सर, रिक्वेस्ट टू आवर सेक्रेटरी श्री राहुल हुड्डा जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू गोपाल, गुड इवनिंग विकास जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम विकास जी, एंड फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस विद अस। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू see how true this session has been to the subject that was initially communicated to us, as to how we can, we as professionals can adopt technology and what role technology is going to play in the coming years. So thank you very much. I'm sure all the participants have thoroughly enjoyed listening to you over the last couple of hours. On behalf of the association and on behalf of everyone who's present here, sir, thank you very much for taking time out on a Saturday evening. IT का नहीं, ये तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो गया, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, आई एम मोर इनटू द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो क्या कहते राहुल जी आपका मार्केटिंग में? सर डिजिटल मार्केटिंग, राहुल तुम सारा मार्केटिंग पे भी ज्ञान दे दे।
तो राहुल जी आपको एक अच्छा चीज दिखाते हैं आपको, चलिए आपका हम लोग हमारे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को कैसे हमारे सॉफ्टवेयर से मैप करते आपको दिखलाता हूँ। क्योंकि देखिए राहुल जी आप जानते हैं, जैसे मैं 3 लाख लोगों को ईमेल करता हूँ, तो 3 लाख लोगों को ईमेल करता हूँ तो मेरा 4 पैसा करके कॉस्ट लगता है डेली का, मान लीजिए तो 12,000 रुपए दिन का हो गया। अगर 3 लाख लोगों को अगर 25 दिन करता हूँ तो मेरा तो भैया रुपया लग गया दुनिया भर का, आपका 3-1 लाख रुपया लग गया। अगर हम लोगों को दे रहे तो हमारे मन में आया, हम लोगों ने देखा कि हमारी जो रीडिंग रेट है जो ओपन रेट है करीब 15-16% के आसपास, तो वो 7-8% से बढ़ के हम लोगों ने कंटेंट राइटर का हेल्प किया, 15% पे आ गए हम लोग, 16% पे आ गए। तो हमको लगा बेकार में अपने तो 2.5 लाख लोगों का पैसा दे रहे हैं, सनसेटिंग कर रहे हैं सर, डेटा का सनसेटिंग करना शुरू कर दिया आपने। हाँ तो हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उस डाटा को हम लोगों ने डाटा एनालिटिक्स टूल से हम लोगों ने रिसर्च करना स्टडी किया कि कितने आदमी खोल रहे हैं, कौन से बंदर किस जगह पर खोल रहे हैं और किस आईपी एड्रेस का सिटी का नाम खोज रहे हैं। और हम लोगों ने उसके बाद क्या किया कि जो लोग खोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी देखे कि लास्ट की 20 मिनट को कितने लोगों ने खोला है। तो हम लोगों ने उस ईमेल की जो काउंट है 75 लाख से घटा के 25 लाख पे आ रहे हैं। सर ये जो आप किए ना इसको बोलते हैं सनसेटिंग, और उसके बाद सेगमेंटेशन किया डिपेंडिंग ऑन हाउ यूजर हैव इंटरेक्टेड विद योर ईमेल आईडी। तो मान लीजिए 4 मेल भेजा तो चारों में कुछ किसी ने कुछ नहीं खोला, तो आपने उनको फिर सनसेट कर दिया, उन्होंने आपने उनको एक अलग डेटाबेस पे शायद वंस इन अ ब्लू मून आप मेल करेंगे। हां उसको महीने में एक बार रखा हम लोगों ने, करेक्ट सर। हम लोग ऐसे ही मान लीजिए मतलब छोटा मुंह बड़ी बात सर, हर महीना हम लोग ऐसे 1 करोड़ के लगभग ईमेल मैनेज करते हैं। तो ये सनसेटिंग वाला जो फंडा है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत ह्यूज कॉस्ट सेविंग होती है। तो हम लोगों का मैं बताया ना आपको, मेरा बहुत बड़ा सेविंग हो गया ना, कहां 3 लाख का था वो 70-75 महीने पे आ गया, तो 2.25 लाख। और सर सबसे बड़ा बात क्या है ना, आपका इंटरेक्टिविटी भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं आपको पता है किस कौन कितना पढ़ता नहीं पढ़ता, तो आपका रिजल्ट भी उसमें बहुत अच्छा। अच्छा अभी हम लोगों का आपको पता होगा वो नेटफोर के संग बात चल रही है, नेटफोर स्मार्ट में वो हमको बड़ा अच्छा बता रहा है कि वो हम लोगों को जो नया ऑप्शन दे रहे हैं नेटफोर वाले, वो ये बोल रहे हैं कि जिस समय में जो बंदा जब रीडिंग करता है ना उस समय में उसको ईमेल जाएगा। हर एक का रीडिंग टाइम अलग अलग होता है, तो उसका बिहेवियर को पढ़ेगा जो किस समय में ईमेल को पढ़ता है। तो जिस समय वो ईमेल को पढ़ेगा ना, तो उसके टॉप 10 ईमेल्स में हमारा ईमेल लगे स्पैम में नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि मैंने सुबह भेज दिया कि रात को भेज दिया, बंदा दिन में पढ़ता है तो उसको जब ईमेल जाएगा ना दिन में साथ साथ नहीं जाएगा, उसको दिन में ही जाएगा जब वो खोलता है। इसमें से थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, अदरवाइज अगर ये काम करे तो बहुत ही अच्छा बात है। और इसके अलावा हम लोगों ने नॉर्मलिटी की हेल्प ली टेलीफोनिक में, तो हम लोग को इतना बड़ा एडवांटेज मिला कि हमारी ऑफिस में आए अभी नो कॉल मिस कॉल वाला कंसेप्ट आ गया कि आप अगर हमको कॉल करेंगे तो मिस कॉल हो ही नहीं सकता। अच्छा वो बंदा को एक ही नंबर याद रखना, तो बंदे का नंबर भी नहीं जा रहा, अभी क्या बात कर रहा है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, हम लोग उसको बतला भी रहे कि ऑल कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें बहुत हेल्प करती है आपके डिलीवरेबल्स को बढ़ाने में, और अगर आपके क्लाइंट के अकाउंट 1,000 हो चाहे 10,000 आप मैनेज कर सकते। सर सबसे बड़ा बात क्या है इसमें, क्लाइंट को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जब भी फोन करेंगे तो हमको रिस्पांस मिलेगा, या हम कुछ भी करेंगे मेरे को काम का चीज ही आएगा मेरे पास मेल्स वेल्स के थ्रू भी। और उसके बाद एक एडवांटेज ये ना कि अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठाया तीन ही वजह से, कोई तीन बंदे तीनों नहीं उठाया, तो नोटिफिकेशन जा रहा है उसके बाद मेल जा रहा है और हम लोग उसको सॉरी बोलते हैं कि भैया आई एम सॉरी कि हम लोग आपका फोन नहीं उठा पाए। तो इससे भी जो क्लाइंट के जो डिलीवरेबल्स होते हैं बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो गया था सर, एक कॉल आ गया। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट एंड फॉर मेकिंग द इवेंट अ सक्सेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स एवरीवन, वी आर स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन, हैप्पी दुर्गा पूजा सर, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल एंड वेल विशेस। Thank you. Thank you, yeah.